लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट कैलेंडर। ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा प्रश्न कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जी हाँ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबसे ज्यादा प्रश्न कैलेंडर से पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कैलेंडर का। यकीन मानिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने कैलेंडर में कभी नहीं पढ़ा होगा। आप इतना रीजनिंग पढ़ रहे हो, इतना रीजनिंग पढ़ रहे हो, पर फिर भी आपके मन में एक छोटा सा डाउट जरूर है कि अभी तक मेरा कैलेंडर, डाइस, पजल, ठीक है, सेलोलिज में पूरा नहीं हो पाया, अभी भी क्वेश्चन छूटता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं या ऑलरेडी आप कैलेंडर पढ़ चुके हैं, आज आप हमारे साथ जुड़कर देखिए, फिर कहिएगा कि भाई राहुल सर क्या कैलेंडर पढ़ाते हैं, क्या मजेदार ट्रिक, क्या मैजिक ट्रिक देते हैं। 3 से 4 क्लास में पूरे कैलेंडर को हम खत्म कर देंगे और यकीन मानिए कि एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम लाकर छोड़ेंगे। और कैलेंडर शुरू से अंत तक करेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप, पहले हम आपको आपके कैलेंडर में अपनी आयु ज्ञात करने का ट्रिक बताएंगे, बहुत बेहतरीन मैजिक ट्रिक। दूसरे में वर्ष का शुरू और अंतिम दिन का जो ट्रिक होता है कि कैसे वर्ष का शुरू दिन और अंतिम दिन सेम होता है, लीप वर्ष क्या होता है, नन लीप ईयर क्या होता है, ठीक है, पखवार क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। महीना और सप्ताह वाला ट्रिक जो होता है वो हम बताएंगे। और फिर वो जो रिमाइंडर ऑफ द डे, आरडी बराबर एलटीडी बाय प्लस सीक्यू प्लस एमसी प्लस डेट डिवाइडेड बाय 7, इन सब चीजों के ऊपर हम एक बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को। और आइए, कैलेंडर 4 पार्ट में हमने पूरे कैलेंडर को डिवाइड किया है, यहां से शुरुआत करते हैं। ये और ये आज के क्लास में हम खत्म करेंगे और बहुत मजेदार होने वाला है जी कैलेंडर। शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अभी क्या है टॉपिक, टॉपिक है अपनी आयु ज्ञात करने वाला ट्रिक। जैसे देखिए, मान लीजिए टाइप 1 की ओर आते हैं बेसिक से, ठीक है, टाइप 1 की ओर आते हैं और बिल्कुल बेसिक से हम कैलेंडर सीखते हैं जी, ठीक है, बेसिक टू लास्ट तक हम कैलेंडर का सॉल्यूशन करेंगे। और क्या मजेदार, जी हां क्या मजेदार ट्रिक हम आपको कैलेंडर का देने वाले हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं जी। चलिए दिख रहा है, हाँ कोई नहीं, नाउ लेट्स स्टार्ट द कैलेंडर माय डियर स्टूडेंट। समझिए इस चीज को कि भाई बेसिक से कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, पहले फर्स्ट टाइप में आते हैं, टाइप 1 डेट ऑफ बर्थ की बात करें कि अगर मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1998 कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, आपकी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 फरवरी 1998 है। अगर आपको आपको आज का एज आपको पता करना है, ठीक है, तो आज हो गया बच्चा पार्टी, आज हो गया 18 अप्रैल 2022, ठीक है, तो यहां आप लिख लीजिए 18 अप्रैल 2022। ये वीडियो में 18 अप्रैल 2022 को बना रहा हूं। तो आप देखिए, इस यहां से यहां तक आते आते आपकी एज क्या हो चुकी है, आप अपने एज के बारे में सीखिए हमसे। आइए चलिए सीखते हैं, 5 फरवरी 1998 से 18 अप्रैल 2022 के बीच में आपकी आयु कितना, वर्ष कितना, महीना और कितना दिन है। आप यहां लिख दो वर्ष, यहां लिख दो माह और यहां लिख दो दिन, ठीक है, वर्ष माह दिन। अब देखिए, पहले ऊपर में दीजिए कि वर्ष अभी 2022 चल रहा है, महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा महीना है, 04 लिख दीजिए, और दिन है 18 तारीख है ना, 18 अप्रैल 2022। अब आपको अपनी एज चाहिए, तो आपकी एज है 1998 में आपका जन्म हुआ, फरवरी है, फरवरी दूसरा महीना होता है तो जनवरी फरवरी, और 5 फरवरी है तो 5 फरवरी लिख दीजिए, और यहां पर आप घटा दीजिए। अभी देखिए, ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस आगाज किया है, अभी तो पूरा युद्ध बाकी है, पूरा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। अब 18 में 5 घटा देंगे हो जाएगा 13, ठीक है, और 4 में से 2 घटा देंगे 2, और 2022 में 1998 घटा देंगे तो 22 साल और 2 साल। आप देखिए, आपकी उम्र है 24 वर्ष 2 माह 13 दिन, ये है आपका रियल एज। और इस तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ये अपना खुद का एज निकाल सकता है। अब देखिए इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए कि अभी है 18 अप्रैल, आज का डेट है 18 अप्रैल 2022, ठीक है, और अगर मान लीजिए, देखिए इसमें हार्ड क्वेश्चन कैसा, मान लीजिए किसी किसी बच्चा का डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 2001, ठीक है, ये है, तो इस बच्चे की आयु कितनी है आज हम सीखते हैं। बच्चे का जन्म कब हुआ जी, 15 जुलाई 2001 को बच्चे का जन्म हुआ, और आज 18 अप्रैल 2022 में उस बच्चे की उम्र क्या है, आज के इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहां लिख दीजिए वर्ष, यहां लिख दीजिए माह और यहां लिख दीजिए दिन, ठीक है, और समझिए वर्ष है 2022, वर्ष क्या है 2022 है, महीना है अप्रैल यानी चौथा महीना, और दिन है 18 तारीख, तो आप यहां पर रख दो 18, ठीक है। अब आपको चाहिए 2001 में बच्चे का जन्म हुआ है, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां महीना है, 7 यहां लिख दीजिए, और 15 तारीख को बच्चे का जन्म है तो 15। अब देखिए समझिए इस चीज को, इसको घटाना है कैसे घटेगा, कहेंगे सर 18 में से 15 गया, सर जी 3 दिन का बच्चा है यहां महीने में। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ
ठीक है, सॉरी, हाँ जी, यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये है चार और ये है सात, कभी घटेगा नहीं, अगर एक भी पहचान लेंगे तो ये पांच हो जाएगा और ये सात हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा कि ये है वर्ष और ये है माह, अगर ये इससे एक पैचा मांगेगा तो ये आपको एक ही देगा, लेकिन आपको पता है कि ये इसकी यूनिट वर्ष में है और ये माह में है, तो भले ही इसको एक देगा लेकिन एक वर्ष दे देगा और एक वर्ष देगा तो इधर 12 महीना चल जाएगा, यानी इधर से अगर ये एक पैचा मांगता है तो ये इसको एक देगा लेकिन उधर कितना जाएगा, क्योंकि ये यूनिट माह में है ना। अच्छा, ये इसको इधर देता तो एक बात और याद रखिएगा कि एक माह में ऐसे सबको पता है कि 28, 29, 30, 31, 4 चार तरह के दिन होता है, एक माह में 30 दिन होता है, ठीक है, एक माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ऐसे नॉर्मली अगर कुछ रहे नहीं डायरेक्टली पूछे एक माह में कितने दिन, 30 दिन होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो एक माह में 30 दिन, और याद रखिएगा कि अब ये इसको एक पैचा देगा लेकिन यहां जाएगा 12 और चार तो ऑलरेडी इसके पास है 16, 16 में से सात गया, ये आपका घटके आ जाएगा 9, और अब 2022 में एक चला गया, 2021 में 2001 गया, 20 वर्ष 9 माह 3 दिन। अगर ये आप समझ रहे हैं तो समझो कि बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि कौन सा महीना कितने दिन का है, सेकंड टाइप, देखिए अलग अलग टाइप अलग अलग कॉन्सेप्ट हम प्रोवाइड करेंगे, और आज आप राहुल सर का नाम हमेशा याद रखेंगे अगर आप कैलेंडर पर पढ़ना चाहते हैं तो। सेकेंड मैथड नाउ लेट्स स्टार्ट। सेकेंड मेथड क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनवरी कितने का होता है, फरवरी कितने का होता है, मार्च कितने। अगर आपसे कोई पूछे कि महीना कितने का, तो महीना 30 दिन। देखिए मैं कैमरे के बहुत करीब आ चुका हूं और मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको, एक नया चीज। अगर पूछे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है तो अपनी उंगलियों को ऐसे रखिए, समझिए इस चीज को, अपनी उंगलियों को ऐसे रखिए, जो उठा हुआ दिखे वो 31 का होता है फरवरी छोड़ के, अब बाकी जो बैठा हुआ दिखे ये वाला ये 30 का होता है फरवरी छोड़ के, सारा रूल अब बाद में हो गया फरवरी। देखिए जनवरी 31 दिन का, सेकंड मेथड है ये सेकंड मेथड मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, मैं कैमरे के बहुत करीब आ चुका हूं ताकि आपको मैं समझा चुका हूं। ऐसे रखो जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29, आपको पता है लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष होगा तो 29 का, लीप नहीं होगा तो 28 का, लीप वर्ष हर चार महीने के चार साल बाद आता है। जनवरी फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और ये 31 हुआ ना, फिर अगस्त से यही सुन, यानी जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने हैं जो 31 का लगातार होता है, जुलाई यहां से खत्म हुआ और अगस्त यहां से शुरू हुआ, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, यानी इस तरह से उंगलियों को रखें, जो ऊपर उठा हुआ दिखे उसको 31 का, जो बैठा हुआ दिखे वो 30 का, 28 का, 29 का, वो फरवरी छोड़ के, फरवरी को इग्नोर कर दीजिए, क्या ये समझ गए। तो अब मैं कुछ लिखा देता हूं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर एंड फाइनली दिसंबर। देखो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन एक नई कला, एक नई चीज मैं आपके अंदर डालने वाला हूं। जनवरी 31 का फिक्स होता है, फरवरी 28 या 29, वो डिपेंड करेगा लीप ईयर, अभी मैं आपको लीप ईयर पढ़ाऊंगा, नन लीप ईयर पढ़ाऊंगा। मार्च 31, 30, 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31 का होता है, सेप्टेम्बर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। कॉपी में नोट करिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये दो टाइप क्लियर है, देखिए बहुत बारीकी से मैं आपको कैलेंडर पढ़ा रहा हूं, इतनी बारीकी से कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, एकदम जीरो से आपको लेकर चल रहे, क्योंकि एज निकालने के लिए पहले सिखाया, पैचा समझिएगा, अगर महीना दिन से पैचा मांगे तो वो 30 देगा, कितना 30, और दिन जो महीना जो है अगर वर्ष से पैचा मांगे तो वर्ष उसको 12 देगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना और एक दिन में, देखो अगर कुछ नहीं बोले, अगर स्पेसिफिक दिन की बात ना करे, स्पेसिफिक बोले तब तो ठीक है, अगर ऐसे ही बोले कि भाई बताओ जनवरी एक महीना में कितना दिन, तो ध्यान रखिएगा एक महीना में 30 दिन ही होता है। हाँ, अगर पूछे कि सितंबर में कौन सा है, तो फिर देख लेंगे कि भाई सितंबर में 30 दिन का, सितंबर में महीना 30 दिन का होता है। अब आइए, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिन। तो याद रखिएगा एक महीना में 30 दिन होता है, माह तो आपको पता है कि एक वर्ष में 12 माह होता है, यह आपको भी पता है, शुरुआत जनवरी से और अंत दिसंबर। देखिए कहिएगा सर ये सब मुझे मत पढ़ाइए, मुझे भी पढ़ा है, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना कि मैं बच्चों को बेसिक से पढ़ाऊं, बीच से पढ़ाऊं, पता चला कि ये टॉपिक समझ में आए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सप्ताह में अच्छा माह में कितने दिन होते हैं, माह में 30 दिन, अगर किसी माह का डिस्कस नहीं हो तो माह में 30 दिन। सप्ताह 7 डेज का होता है जी, हफ्ता याद रखिएगा, सप्ताह और हफ्ता दोनों अलग अलग चीज है, हफ्ता 8 दिन का होता है, एक वर्ड होता है पखवार, भले ही आपने कभी नहीं सुना होगा, पखवार में 15 दिन होते हैं जी, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि सर पखवार क्या है, तो पखवार में 15 दिन, दिन 30 दिन का, महीना एक वर्ष में 12 महीना होता है, जनवरी से शुरुआत होती है, दिसंबर में अंत होता है, सप्ताह में 7 दिन, हफ्ता में 8 दिन, पखवार में 15 दिन। अब देखिए वर्ष में 365 दिन ऐसे साधारणता होता है जब लीप वर्ष हो, ठीक है, ये लीप वर्ष नहीं हो
तो 365 दिन, और जब लीप वर्ष हो तो 366 दिन लीप वर्ष में, ठीक है। अब ये लीप वर्ष कैसे है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लीप वर्ष नहीं हो तो फरवरी, लीप वर्ष नहीं हो तो फरवरी 28 दिन का, और लीप वर्ष हो जाए तो फरवरी 29 दिन का, क्लियर है। अभी हम डिस्कस करने वाले कुछ ही क्षणों में कि क्या है सर लीप वर्ष, ठीक है, क्या लीप वर्ष है, क्या नन लीप ईयर है, ठीक है। एक नन लीप ईयर मतलब क्या, ये हो गया सामान्य वर्ष, ठीक है, सामान्य वर्ष। आइए हम डिस्कस करते हैं पहले, ये सब तो सिंपल सी बातें हैं, बच्चों को ऐसे भी नॉर्मली समझ में आता है। अब हम डिस्कस करते हैं सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं कि सर सामान्य वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। देखिए सामान्य वर्ष एकदम सिंपल सा लैंग्वेज दिखेंगे कि वैसा वर्ष जिसमें चार से भाग नहीं लगे, वैसा वर्ष जिसमें चार से भाग नहीं लगे सामान्य वर्ष कहलाता है, सामान्य वर्ष कहलाता है, ठीक है। वैसा वर्ष जिसमें चार से भाग नहीं लगे सामान्य वर्ष कहलाता है। और याद रखिएगा कि एग्जाम्पल में ऐसे बात करें, एग्जाम्पल में जैसे अभी हमारा 2022 चल रहा है ना, 2022, ठीक है, 2022, ये किस तरह के वर्ष का उदाहरण है, ये हमारा हो गया सामान्य वर्ष। क्योंकि आप 2022 में भाग देकर देख लीजिए, 2022 में चार से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, 2022 में चार से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, आपको दो शेष बचेगा। याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों, 365 दिन। एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में फरवरी, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा रहा हूं, फरवरी 28 दिन का होता है, कॉपी में नोट करिएगा, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। जैसे अगर अभी 2025 आने वाला है तो ये सामान्य वर्ष है, आप चार से पूरा पूरा लगाइए भाग, चार से पूरा पूरी नहीं कटेगा। 2024 सामान्य वर्ष नहीं होगा क्योंकि उसमें चार से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सामान्य वर्ष वैसा वर्ष जिसमें चार से भाग नहीं लगे सामान्य वर्ष कहलाता है, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का और वर्ष पूरे 365 दिन का होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं लीप वर्ष की बात करें, लीप ईयर इसको इंग्लिश में कहते हैं, लीप वर्ष, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लीप वर्ष में कि वैसा वर्ष ये दिख रहा है आपको, हाँ जी, वैसा वर्ष जिसमें चार से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसा वर्ष जिसमें चार से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है बच्चा, वैसा वर्ष जिसमें चार से पूरा पूरा भाग लग जाए लीप वर्ष कहलाता है। कैसा कहलाएगा जी, लीप वर्ष, ठीक है, वैसा वर्ष जिसमें चार से पूरा पूरा भाग लग जाए लीप वर्ष कहलाता है। कॉपी में नोट करें, लीप वर्ष कहलाता है, चार से पूरा पूरा भाग लगेगा कौन सा वर्ष कहलाएगा जी, लीप वर्ष, ठीक है। एग्जांपल अभी 2022 बीत चुका है, सॉरी 2020 बीत चुका है, ओ सॉरी 2020 बीत चुका है, 2024 आने वाला है, 2028 आने वाला है, 2032 आने वाला है, 2016 बीत चुका है, ये सभी किस तरह के वर्ष का उदाहरण है, ये सभी लीप वर्ष का उदाहरण है। वैसा वर्ष जिसमें चार से पूरा पूरा भाग लगे लीप वर्ष कहलाता है, वैसा वर्ष जिसमें चार से पूरा पूरा भाग नहीं लगे सामान्य वर्ष कहलाता है। लगा के देख लीजिए, ठीक है, 505, ठीक है, 506 आप लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चार से पूरा पूरा भाग लगेगा। एक और याद रखिएगा पॉइंट इस वर्ष इसके बारे में नोट में, कि लीप वर्ष में 365 दिन नहीं सॉरी माफी चाहेंगे लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तथा फरवरी 29 का होता है, ठीक है। लीप वर्ष में फरवरी कितने का होता है जी, 29 का होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तथा फरवरी 29 का होता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए तो लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं तथा फरवरी 29 का होता है, ये आप एकदम क्लियर समझ रहे हो यहां तक। सामान्य वर्ष का मतलब समझ गए, सामान्य वर्ष किसको कहते हैं, लीप वर्ष। सामान्य वर्ष वैसा वर्ष जिसमें चार से भाग ना लगे, लीप वर्ष जिसमें चार से पूरा पूरा भाग लग जाए। इधर बिल्कुल क्लियर है, सामान्य वर्ष में 365 दिन और फरवरी 28 का, लीप वर्ष में 366 दिन तथा फरवरी 29 का होता है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्लियर हो गया। अब जो है, अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड के अंदर सेट करिए, पार्ट थर्ड, ठीक है, टाइप थर्ड, ठीक है, या कॉन्सेप्ट नंबर तीन अगर आप देखिएगा कि भाई तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बेहतरीन टॉपिक हम यहां पर आपके लिए लेकर आए, टाइप थ्री। देखिए समझिएगा इस चीज को, और बहुत बारीकी से जो मैं यहां पर लिखवाने वाला हूं वो बहुत बारीकी से आप समझिएगा। पॉइंट नंबर पहला,
पहले हम सामान्य वर्ष की बात करें, सामान्य वर्ष की बात करें। अगर मैं इस टॉपिक को बता रहा हूं और अगर आप अपने पूरे चाव से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एक कैलेंडर या कोई एक्स्ट्रा मोबाइल आप अपने बगल में रखिए। मैं जो बात बोलूंगा आप उस चीज को चेक करते चलिएगा अपने बगल वाले मोबाइल में कि सच में राहुल सर ऐसा बोल रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही फेंक रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको बेहतरीन ढंग से हमसे पूरा पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर में सर्च करिए, हमारी फोटो एप्लीकेशन पे लगी है, आप इसको इंस्टॉल करिए। वहां पे क्विज करवाया जा रहा है बिल्कुल मुफ्त, और वहां पे एक मक्खन बैच है जिसकी फीस 499 है, मैथ और रीजनिंग पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन के थ्रू आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही आसान है, वैलिडिटी एक साल पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा जी। और वहां पे हम बहुत जल्द टारगेट बैच भी लेकर आ रहे हैं, जैसे एमटीएस के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और भी बहुत सारे डिफेंस के लिए टारगेट बैच, और रेलवे के लिए, और एसएससी के लिए, और बैंकिंग के लिए टारगेट बैचेस लेकर आ रहे हैं। चलिए सामान्य वर्ष की बात करें, जो मैं लिखाऊं वो अपनी कॉपी में चेक कर, नहीं आप अपने बगल वाले मोबाइल में या कैलेंडर में चेक करिएगा। मैंने बोला कि सामान्य वर्ष मतलब समझ रहे हैं ना, 2016, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 26, जो भी है, चार से भाग नहीं लगा, सामान्य लग गया लीप, ठीक है। तो मैं ये जो पॉइंट बोलने वाला हूं कि सामान्य वर्ष में, लिखिएगा कॉपी में चेक करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं, सामान्य वर्ष में वर्ष का या साल का, वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का, जिस वर्ष की बात कर रहे हैं, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन बिल्कुल सेम होता है। बिल्कुल क्या होता है जी, सेम होता है। बगल में कोई मोबाइल रखिए और चेक करिए कोई भी वर्ष का निकाल का, 2015 में अगर जैसे एग्जांपल में मैं लिख दूं, एग्जांपल में कि अगर किसी सामान्य वर्ष में याद रखिएगा, ना कि लीप वर्ष में लेके आ जाइएगा, अगर किसी वर्ष में 1 जनवरी को संडे हो तो 31 दिसंबर भी संडे ही होगा। चेक करके देख लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि संडे हो, संडे ही होगा, ठीक है। मैंने बस एज ए डेमो दिया है, आप कोई भी वर्ष निकाल लो, 2013, 14, 15, 17, 19 कोई भी निकाल लो, देख लो कि जिस दिन जनवरी है, क्या 31 दिसंबर भी उसी दिन को आता है। इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि बताओ बाबू, ये 1 जनवरी 2015 को अगर गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा, कहेंगे सर दोनों सेम होता है। मान लीजिए कि 31 दिसंबर को ना पूछकर बोले कि बाबू अगर 1 जनवरी 2015 को गुरुवार है तो बताओ 29 दिसंबर को क्या होगा, तो कहेंगे सर 1 जनवरी को जब गुरुवार है तो 31 को भी गुरुवार ही होगा। और 2 दिन पहले पूछ रहा है, यानी 30 को जो होगा बुधवार होगा, और 29 की बात कर रहा है यानी मंगलवार होगा। यानी इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भले ही ना पूछे, हो सकता है बोले कि 1 जनवरी 2011 को शनिवार है तो बताओ 30 दिसंबर 2011 को, तो कहेंगे सर 1 जनवरी को शनिवार था तो 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। हमसे पूछ रहा है 30 दिसंबर, तो एक दिन पीछे आइए, कहेंगे सर गुरुवार आंसर होगा, सॉरी शुक्रवार आंसर होगा। तो ऐसे करके आप टॉपिक को कर सकते हैं कवर, बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, लेट स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है बच्चा, ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में, अगला वर्ष मतलब एक साल आगे बढ़ेंगे, 12 का बोल रहा है तो 13, 14, अगले वर्ष के पहले दिन में, ये दिख रहा है आपको, हाँ अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि, जी हाँ 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। सिंपल समझ रहे, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि हो जाती है। ये चीज समझिए इस चीज को, कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले उसी वर्ष का अंतिम दिन बिल्कुल सेम होता है। और यहां हमने लिखा कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कह रहा है कि 1 जनवरी 2005 को गुरुवार, मान लीजिए, ये सही में नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, 1 जनवरी 2005 को गुरुवार, तो 1 जनवरी 2007 को या 6 बोल दे, अभी फिलहाल 6 ही रहने दीजिए, तो कहेंगे सर 1 जनवरी 2005 को अगर गुरुवार है तो हमने, राहुल सर ने अभी मुझे बताया कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन क्या होता है, वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी होता है, और अगले वर्ष के पहले दिन में, यानी अगला वर्ष 1 जनवरी 2006, अगला वर्ष हो गया ना 2005 से 2006, अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है, यानी गुरुवार यहां था तो यहां क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अच्छा, अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी 2001 को सैटरडे हो, मान लीजिए, मैं सच में नहीं बोल रहा, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, तो कहेंगे सर 1 जनवरी 2001 को सैटरडे है तो 1 जनवरी 2002 को एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि अभी आपने लिखा है, तो 1 जनवरी 2002 को संडे होगा,
लेकिन आप तो तीन का पूछ दिए, ठीक है एक दिन और बढ़ा देंगे, 1 जनवरी 2003 को मंडे होगा, 2 दिन की वृद्धि होगी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मतलब संडे की जगह क्या लिख दिया हमने, मंडे, क्योंकि 2 साल बढ़ गया ना, तो हर साल एक एक दिन बढ़ता है। अच्छा अभी आपसे पूछा 10 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद, तो वो हम इसमें सिखाएंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट सीखिए, और अगर इसको सीख के अपनी कॉपी में नोट करते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि सर मैंने आपका एक एक टॉपिक नोट किया, हमें बहुत खुशी होगी, अंदर से लगेगा कि हाँ मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ आपको, कुछ नए कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको कॉपी में नोट करने की कोशिश करिए ताकि हम आगे बढ़ सके। फिर सामान्य वर्ष वाला हो गया क्लियर, अभी इस पर क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे देंगे ना आपको कि 20-20, 25-25 साल का निकाल दीजिएगा। ओरल, ओरल का मतलब होता है मौखिक, मतलब देखेंगे और सॉल्व कर पाएंगे, इतनी काबिलियत हम आपके अंदर डाल देंगे, 7 साल 8 साल का लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ अगर शेयर करूं तो मुझे पता है कि बहुत बेनिफिट होने वाला है, मुझे भी और आपको भी, ठीक है, बहुत लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं बहुत बड़े ऑडियंस के पास पहुंचने की क्षमता रखता हूं, बस डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा भी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आप तो बहुत छोटे वाले प्लेटफॉर्म पर आए हो, ठीक है। चलिए सामान्य वर्ष हो गया, अगर अब हम लीप वर्ष की बात करें, ठीक है, अगर अब हम लीप वर्ष की बात करें तो देखिए इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और बिल्कुल याद रखिएगा बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा लीप वर्ष सामान्य वर्ष समझ चुके हैं ना, जिसमें 4 से भाग लगा वो लीप वर्ष नहीं लगा सामान्य वर्ष, देखो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि लीप, अच्छा एक बात और याद रखिएगा बच्चा पढ़े, लीप वर्ष तभी वैल्यूबल होगा, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं से चलते 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 25 फरवरी तक आ गए, तो फरवरी 28 से 29 होता है तभी लीप ईयर आता है ना, हाँ भले ही लीप ईयर वर्ष होता है लेकिन हमारी हमारा जो रूल है, मान लीजिए कि हम किसी डेट से आकर 25 फरवरी तक रुक गए, हमने लीप ईयर को टच नहीं किया, क्योंकि लीप ईयर को तभी टच करेंगे जब हम 29 फरवरी में घुसेंगे, 28 के बाद जाएंगे। तो याद रखिएगा रूल कहता है रीजनिंग का कि जब तक आप 28 फरवरी या उससे क्रॉस नहीं होते हैं तब तक आप लीप ईयर को टच नहीं करते हैं, यानी तब तक जो है वही रूल लगेगा जो सामान्य वर्ष का रूल है, ठीक है बच्चा बाड़ी, एकदम क्लियर। अच्छा ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्लास करने में दिक्कत हो, मेरे से बात करनी हो, बिल्कुल कर सकते हैं, निफिक्र होकर करिए कॉल, व्हाट्सअप कुछ भी, बिल्कुल हम रिप्लाई देंगे, अपना नाम सही सही बताइएगा, 6200733858, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, पर मैं भी यूज करता हूँ कभी कभार, आपसे बातें हो जाएगी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। फिर से लिख दूं मैं, चलो लीप वर्ष, देखो लीप वर्ष में पहला टॉपिक याद रखिएगा कि लीप वर्ष में लीप वर्ष, अच्छा इसमें वर्ष कितने दिन का, 365 दिन का, फरवरी 29 दिन का, ये दो चीज याद रखिएगा, ये दो चीज बिल्कुल आसान है, लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन, अच्छा लीप वर्ष में फरवरी कितने का, 29 का, याद रखिएगा ये सिंपल सी बात है, लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंत, उसी वर्ष का वर्ष के अंतिम दिन में, उसी वर्ष के अंतिम दिन में 1 की वृद्धि होती है। कहेंगे सर वहां तो नहीं हुआ था सामान्य में, लेकिन यहां होती है, इसलिए होती है क्योंकि फरवरी 28 की जगह 29 में चला जाता है जी, ठीक है, तो लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष के अंतिम दिन में 1 की वृद्धि होती है। एग्जांपल जैसे मानकर चलिए अगर हम कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2010 को सैटरडे है, मान लीजिए ये मैं सच में नहीं बोल रहा हूं, ये कह रहा हूं, ठीक है सैटरडे है, तो याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 2010 को, क्योंकि ये वर्ष का पहला दिन है और ये वर्ष का अंतिम दिन है, तो 1 दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा जी, संडे, हालांकि सामान्य वर्ष में नहीं बढ़ा था, सामान्य वर्ष में सेम था लेकिन यहां 1 बढ़ जाएगा। और याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2005 को अगर मान लीजिए कि वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर 2006 को रहने देते हैं अभी क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद रखिएगा वेडनेसडे के बाद हो जाता है थर्सडे, यानी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, ये समान लीप वर्ष कहता है। लीप वर्ष में याद रखिएगा कि फरवरी 29 का होता है और वर्ष पूरा 366 दिन का होता है, और लीप वर्ष को हम तभी टच करेंगे जब 29 फरवरी या उससे पार हो जाएंगे। अगर हम 27-28 तक आकर रुक जाते हैं तो समझिएगा कि हमारा जो रूल है वो सामान्य वर्ष का रूल लगेगा, लीप वर्ष का रूल नहीं लगेगा। लीप वर्ष का रूल तभी लगेगा बच्चा जब हम 28 फरवरी को क्रॉस करके 29 फरवरी या अगले महीने में प्रवेश करते हैं। चलो ये पहला पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा याद रखिएगा लीप वर्ष का ही हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं कैलेंडर में, और उसके बाद फिर आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस करवाएंगे लीप वर्ष में। लीप वर्ष में याद रखिएगा ये दूसरा पॉइंट है कि वर्ष का लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन तथा अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है जी। कितने की? 2 की वृद्धि होती है। याद रखिएगा ये सारी चीजें, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं याद है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कैलेंडर कभी सीख भी पाओगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं वो मेरे हिसाब से कोई नहीं दे पाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी
2003 को, या तीन नहीं ले लो 2002 ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 2002 को मान लीजिए कि है भाई फ्राइडे, ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2003 को सैटरडे नहीं होगा, वहां एक बढ़ा था ना, यहां दो बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। और याद रखिए अगर 1 जनवरी, अभी देखिए इसमें इतने भयानक भयानक प्रश्न बनेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो डेमो है, अभी तो मैं बस आपको तैयार कर रहा हूं लड़ने के लिए, अभी तो ऐसे 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 अभी तर्कस से तीर तो मैंने निकाला ही नहीं, अभी तो बस तर्कस का ही ज्ञान दे रहा हूं कि भाई देखो तर्कस को यहां बांधना है, तर्कस को यहां बांधना है, इस तरह से संभालना है, क्योंकि एक योद्धा तलवार पहले तब चलाएगा जब उसको तलवार पकड़नी आए, सीखेगा तब जब उसको पकड़ रहा है, भाई वो थमा ही नहीं रहा तो कहां से सीखेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सीखिए, बेहतरीन ढंग से सीखिए, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1 जनवरी 2005 को मान लीजिए है सोमवार, कुछ भी लिख लो, अभी तो मैं बस मान रहा हूं, सच में थोड़ी है। 1 जनवरी 2007, नहीं मैं 8 देता हूं। अब देखो 5 को है सोमवार, तो 1 जनवरी 2006 को मंगलवार नहीं बुधवार होगा, क्योंकि दो की वृद्धि। 1 जनवरी 2007 को गुरुवार नहीं शुक्रवार होगा। एक सेकेंड, यहां तो मैं गलत बता रहा हूं आपको, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा, एक मिनट, मैं यहां पे थोड़ा सा कुछ गलत बता रहा हूं, कोई बात नहीं है, मैंने ये टॉपिक तो सही लिखा, बट मेरा तो ध्यान गया ही नहीं कि मैं तो बच्चों को लीप वर्ष पढ़ा रहा हूं, सामान्य वर्ष पढ़ा रहा हूं, छोटी सी माफी चाहते हैं और फिर से टॉपिक को शुरू करते हैं। बस एग्जांपल में, लीप वर्ष में हमने कहा कि वर्ष का पहला दिन तथा अगले वर्ष के पहले दिन में एक की वृद्धि होती है। मैं छोटा सा माफी चाहता हूं, मान लो कि एक, क्योंकि लीप वर्ष को हमने लिया ही नहीं, हम तो सामान्य वर्ष को पढ़ा रहे थे, इतनी बड़ी भूल मुझसे हुई, ध्यान नहीं है, बस आपसे बातें करते करते हमारा ध्यान यहां हो गया। लीप वर्ष पहले ले तो सही, एक वर्ष 1 जनवरी 2004, ये लीप वर्ष है। अब देखो मैं सही कर रहा हूं, 1 जनवरी 2004 को अगर मान लीजिए संडे है, तो 1 जनवरी 2005 को मंडे नहीं ट्यूजडे हो जाएगा। यहां पे छोटी सी गलती, और उसके लिए मैं माफी दिल से चाहता हूं कि आप हमें माफ करेंगे इस छोटी सी गलती को लेकर, ठीक है। 1 जनवरी 2004 को संडे है, तो 1 जनवरी 2005, क्योंकि ये लीप वर्ष है ना, और मैं जो एग्जांपल अभी दिया था वो सामान्य वर्ष था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2004 को अगर संडे है, तो 1 जनवरी 2005 को मंडे नहीं ट्यूजडे होगा। 1 जनवरी 2012 को फ्राइडे है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2013 को सैटरडे नहीं संडे होगा, और इसके लिए मैं छोटी सी माफी चाहता हूं कि मैंने यहां पे एग्जांपल आपको गलत बता दिया था। अब समझ में आया, ये देखो 2012 आपका क्या हो गया भाई, ये 2012 आपका लीप वर्ष हो गया, और ये 2004 लीप वर्ष, और अभी मैंने जो एग्जांपल अभी दिया था वो गलत था, बाय मिस्टेक, वो ध्यान नहीं रहा हमारा, ठीक है, सामान्य वाले में ही करते चले गए, ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष आए तो सही, बच्चे के कमेंट्स भी कुछ होंगे जरूर, मैंने देखा नहीं है, आई थिंक जो भी गलतियां हुई आप इसके ऊपर इग्नोर करेंगे इस चीज को, और ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर इस छोटी सी गलती को माफ करने के बावजूद भी अगर आप बहुत कुछ सीखे हैं इस वीडियो में, नीचे मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने हैं, लाइव चैट में बच्चों ने क्या लिखा मुझे मतलब नहीं है, कमेंट में आप मेरे बारे में फीडबैक क्या देते हो, गुड बेटर बेस्ट, जो भी फीडबैक है आप नीचे दीजिए, और बहुत बेहतरीन ढंग से अगला क्लास सुपर डुपर होगा, क्योंकि इसके ऊपर इतने ताबड़तोड़ प्रश्न हम लाने वाले हैं ना, इतने ताबड़तोड़ प्रश्न लाने वाले हैं जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आई विल वेट योर कमेंट्स एंड आई विल वेट योर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस, कैलेंडर की ये दूसरी क्लास, और आज के क्लास में जो क्लास फर्स्ट हुआ था उससे संबंधित बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं। और हाँ, पहले तो हम सभी प्रश्नों का बेसिक से सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आपको मैजिक ट्रिक बताने वाले हैं कि बिना पेन उठाए, बिना कॉपी कलम उठाए, आप कैसे कैलेंडर के बड़े बड़े प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। कैलेंडर का ये जो सीरीज है काफी लंबा चलने वाला है, और उम्मीद है कि बच्चे बड़े चाव से हमारी इस पूरी सीरीज को देखेंगे। और ये दूसरी क्लास, जी हाँ, ये क्लास नंबर दूसरा, और हम आपके सामने रखते हैं महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों का हल। देखिए बात क्लियर है, जिस बच्चे का फर्स्ट क्लास देखा हुआ नहीं है कैलेंडर में, वो पहले देख लीजिए, तभी आपको यहां पे 100% समझ में आएगा। चलिए महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों का हल। अब हम कुछ बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाने वाले हैं पिछले क्लास से रिलेटेड। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में एक दिन की वृद्धि होती है, लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन में एक की वृद्धि होती है, लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में दो की वृद्धि होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 का, साल 366 दिन का, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 का और वर्ष 365 दिन का। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि पखवार 15 का होता है, महीना 30 का होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है, हफ्ता 8 दिन का होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके साथ साथ मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, हो सके आप भूल भी गए होंगे, अगर नहीं भी भूले हैं तो सुन लीजिए, कि लीप ईयर का फॉर्मूला, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट तभी यूज करेंगे जब हम 28 फरवरी को क्रॉस करेंगे। अगर हम 28 फरवरी से पहले किसी काम को करने से रुक जाते हैं तो वहां पे लीप ईयर का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, वहां सामान्य वर्ष का फॉर्मूला यूज होगा। मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन सामान्य वर्ष का है वही हम यूज करेंगे, कि वर्ष का पहला दिन आखिरी दिन सेम, वर्ष के पहला दिन और वर्ष अगले वर्ष के पहले दिन में एक की वृद्धि, इस तरह से। जैसे कुछ प्रश्न हम आपके सामने रखने वाले हैं, देखिए समझिए इस चीज को, कि एक सवाल बहुत ही सिंपल सा, कि यदि 1 जनवरी 1 जनवरी 2001 को
फ्राइडे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको प्रश्न, बहुत सारे लाजवाब प्रश्न हम आपके सामने रखने वाले हैं। 1 जनवरी 2001 को फ्राइडे हो तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल और आपके स्क्रीन के ऊपर है। और आइए हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। समझिए इस चीज को। हमने कहा यह कौन सा वर्ष, 2001 सामान्य वर्ष, 2002 सामान्य वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगे, लीप वर्ष लीप ईयर जिसमें 4 से भाग लगे। तो हमने कहा कि भाई 2001 सामान्य वर्ष है, 2002 भी सामान्य वर्ष हुआ, 2003 भी एक सामान्य वर्ष है। तब देखिए ऐसे कंसेप्ट में हम क्या करेंगे कि हमने बोला कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, वर्ष के पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में एक की वृद्धि। जैसे अगर 1 जनवरी 2001 को हम फ्राइडे कह रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि 1 जनवरी 2002 को एक की वृद्धि होगी, सैटरडे होगा। कहेंगे सर अभी अभी आपने बताया था, कल भी बताया था कि वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में एक की वृद्धि होती है। फिर याद रखिएगा 1 जनवरी 2003 की बात करें तो फिर से एक की वृद्धि, यानी क्या हो जाएगा, संडे होगा। से यस यानो, ये समझ में आया ये संडे कैसे हुआ कि भाई 2001 से 2003 में चलना था तो 2001 से 2002 में गए, एक की वृद्धि, क्योंकि वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में एक की वृद्धि होती है। फिर वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में फिर से एक की वृद्धि होती है, यानी टोटल 2 की वृद्धि। तो ये हमारा, अभी देखिए अभी ये मैजिक नहीं बता रहे, अभी कॉन्सेप्ट बता रहे, अभी इसके ऊपर ट्रिक तो बताना बाकी है। तो ये राइट आंसर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, राइट आंसर हो गया सैटरडे, ठीक है, सॉरी संडे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए एक सिंपल सा सवाल हम रखते हैं कि 1 जनवरी 2011 को मान लीजिए कि संडे है, ठीक है, समझिए इस चीज को, 1 जनवरी 2011 को संडे है तो अच्छा 2011 की जगह पर अगर हम अभी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। 1 जनवरी 2011 को संडे है तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, आइए हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल ढंग से प्रश्न को लिख रहे हैं, बहुत कम टाइम में, और बहुत कुछ आज के क्लास में फिर से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और याद रखेंगे पूरी जिंदगी की। भाई कैलेंडर हमने पढ़ा है तो राहुल सर से पढ़ा है, और क्या मैजिक ट्रिक देते हैं आप, 5 क्लास में पूरे कैलेंडर को निचोड़ के रख दीजिए। अच्छा एक बात और, एक आता है वार्षिक, ये सॉरी, अच्छा हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। 1 जनवरी 2011 को संडे है तो आपसे 1 जनवरी 2015, क्योंकि सेम डेट से सेम डेट जाने में बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना है। तो देखिए 1 जनवरी 2011 कहेंगे सर संडे, कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। अब देखिए 1 जनवरी 2012 कहिएगा सर 2012 तो हमको लगता है कि लीप ईयर है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कहिएगा सर 2012 तो हमको लगता है कि लीप ईयर है, लेकिन ध्यान दीजिए हमने कहा था कि भले ही वो लीप ईयर ही क्यों ना हो, अगर हम 28 फरवरी को क्रॉस जब तक नहीं करेंगे, हमारा जो रूल है वो सामान्य वर्ष वाला लगेगा। यानी लीप ईयर में वर्ष के पहले दिन में और अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है, लेकिन सामान्य वर्ष में वर्ष के पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है। तो यहां पर हम 1 ही वृद्धि करेंगे, यानी संडे से 1 बढ़ाएंगे मंडे। कहेंगे सर तो लीप ईयर लगेगा कब, लीप ईयर लगेगा जब 2012 से 13 में जाएंगे, 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 तक जाएंगे, तब 29 फरवरी 2012 बीच में आएगा, यानी 1 जनवरी, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, देखो बहुत मजेदार चीज मैं बता रहा हूं, 1 जनवरी 2013 में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको पता है कि इन्हीं दो डेट के बीच में, जी हां इन्हीं दो डेट के बीच में आपका 29 फरवरी आ जाएगा जो लीप ईयर है, क्योंकि 1 जनवरी 2012 तक तो लीप 29 फरवरी नहीं आएगा। 1 जनवरी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 1.5-2 महीना 2013 के लिए, तो 29 फरवरी क्रॉस करेगा, मतलब 29 फरवरी टच करेगा, तब वहां पर लीप ईयर लगाएंगे, यानी मंडे के बाद ट्यूजडे नहीं वेडनेसडे 2 बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि लीप ईयर में वर्ष का पहला और अगले वर्ष सेम डेट से सेम डेट, सीधे कहिए ना, सेम डेट से सेम डेट जाने में 2 की वृद्धि, कितना, मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे, एक नई ऊर्जा, ठीक है, एक नई ऊर्जा का संचार हम आपको देंगे जी। लेकिन हमें कहां तक चाहिए, हमें 15 तक चाहिए, 1 जनवरी 2014। कहेंगे सर 13 भी लीपियर नन लीपियर है और 14 भी नन लीपियर है, वो अलग बात है कि 12 से 13 में प्रवेश करते समय हम लीपियर वाला रूल लगा दिए, क्योंकि उन्हीं के बीच में 29 फरवरी आ रहा था। तो वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा, 1 की वृद्धि, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। 1 जनवरी, अभी अभी ट्रिक मैंने नहीं बताया, ये तो बेसिक है, 2015 थर्सडे के बाद फ्राइडे, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार हम चाहेंगे कि अपना नाम लिखकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आज जो ये मैराथन हम लेकर आए हैं कैलेंडर का मैराथन, जो रीजनिंग का सबसे हार्ड एरिया माना जाता है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर ऊपर से ही बाउंस हो जाता है। हम कहते हैं एक बार हमसे पढ़कर देखिए कैलेंडर, जिस दिन बाउंस हो जाए ना फिर आप हमसे आकर कहिएगा कि भाई सर ने बताया और हम समझ नहीं पाए, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है जो हम आपको नहीं बताएंगे, और ऐसा कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो राहुल सर के अंदर नहीं है, और हम उसको किसी देखने की किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 2-4 500 ट्रिक तो ऐसे ही होते पैसे घूमते रहता है, कब उसका यूज पड़ जाए जरूरत, मतलब कर लेंगे। अब सवाल है सर इतना लंबा करवाइएगा जनाब, इतना लंबा करवाएंगे आप हमसे तो समय लगेगा, और आप पता है कि हम कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, और सर जी इतना टाइम दीजिएगा, 11 से 12 में जाएंगे, 12 से 13 में जाएंगे, 13 से 14 में जाएंगे, 14 से 15 में जाएंगे, तब तो सर बहुत बड़ी परेशानी है।
आप कुछ ऐसा बताएं जिससे कम समय में हम इस प्रश्न को डील कर पाए, इस तरह के प्रश्नों को हम डील कर पाए। बहुत जल्द उस तरह का मैजिक ट्रिक हम लेकर आने वाले हैं, बस इंतजार करिए और सब्र करिए। सब्र का फल मीठा होता है और मीठे फल का स्वाद बड़ा ही, आप समझ रहे हो चीजों को। चलिए इसी पे एक सवाल और हम अगर दाग दे कुछ इस तरह से कि सर एक जनवरी 2005 को सैटरडे, तो 3 जनवरी, देखिए कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, 2010 को कौन सा दिन होगा। एक बेहतरीन सवाल और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। समझना अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा बच्चा, अनिवार्य हो जाएगा। 1 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 3 जनवरी, अब देखिए डेट भी चेंज कर रहे थोड़ा थोड़ा, 3 जनवरी 2010 को कौन सा दिन, देखिए 1 जनवरी 2005 को सैटरडे, और हमें पता है कि 2005 लीप ईयर नहीं है, वही सेम डेट में ही आते हैं। 1 जनवरी अगर 2006 आते हैं तो एक दिन बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन में हम ट्रिक यूज करेंगे, संडे 2007 आएंगे तो कौन सा, मंडे, ठीक है, और 2008 आएंगे, भले ही 2008 एक लीप वर्ष है लेकिन अभी एक ही जनवरी तक हम आए हैं ना। अच्छा ये सेम चीज है जी, सब 1 जनवरी का निकाल रहे, 1 जनवरी 2008 आएंगे तो मंडे से ट्यूजडे, लेकिन 2008 एक लीप ईयर है और 2008 से 9 में जाएंगे तब बीच में आ जाएगा 29 फरवरी जो लीप ईयर को टच कर देगा, तब ऐसे कंडीशन में 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे मतलब मंगलवार होता है, वेडनेसडे नहीं थर्सडे, यानी यहां पे +2 हो जाएगा जी, यहां पे +2 हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे, एक संडे मंडे ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे नहीं थर्सडे, सॉरी दो की वृद्धि थर्सडे, ठीक है। एंड हमें चाहिए 1 जनवरी 2010 की अगर बात करें तो थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा, फ्राइडे, बट हमें 1 जनवरी नहीं चाहिए, हमें 1 जनवरी का नहीं चाहिए, हमें कब का चाहिए, हमें चाहिए 3 जनवरी का। तो 1 जनवरी में कितना जोड़ेंगे कि 3 जनवरी आ जाए, 2 जोड़ेंगे, यानी 3 जनवरी को, तो यहां भी 2 जोड़िए ना, इसमें क्या सोचना, ठीक है, फ्राइडे के बाद सैटरडे नहीं संडे, ठीक है, 3 जनवरी 2010 को संडे होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट है, अगर आप एक कमजोर छात्र भी है ना, तो कैलेंडर आप इतने बारीकी से सीख रहे होंगे जिसकी आपने खुद कल्पना नहीं, क्योंकि अरे यार इतना आसान है कैलेंडर, हम तो नाम सुन के डर जाते थे कि पता नहीं कैसे हम कॉम्पिटेटिव में प्रवेश करेंगे। ये NTPC में भी पूछेगा, रेलवे में भी पूछेगा, डिफेंस में भी पूछेगा, SSC में भी पूछेगा, अभी MTS आने वाला है, MTS में भी पूछेगा, अभी NTPC चल रहा है, NTPC CBT 2 में पूछता है, कोई डाउट नहीं, CBT 1 CBT 2 कुछ भी हो सब जगह पूछेगा। यहां तक क्लियर है, एक बार अपना राय दे दीजिए। अब हम कुछ बड़े प्रश्नों पर चलते हैं, जैसे इतना सारा आपके मन में चल रहा होगा सर इतना लंबा प्रोसेस, हाउ कैन डू दिस, हम कैसे कर पाएंगे इतना लंबा प्रोसेस, ठीक है आपने सिखा दिया मैं सीख गया, लेकिन ये इज दिस पॉसिबल फॉर एग्जाम्स, क्या ये संभव है कि हम इसको एग्जाम में इतना लंबा कर सकें, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब हम आपको पॉसिबल असंभव चीज को संभव करने के लिए सिखाते हैं, तो रख यकीन अपने इरादों पर, तेरा जो हौसला है ना वो तेरी जो सोच है उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। हालांकि मैं यहाँ पर गड़बड़ा गया हूँ, मैंने कुछ और सोच रखा था, फिर कोई नहीं, चलिए हमें तो सीखना है। अगर मैं ये शायरी भूल गया तो मैं कुछ और मार देता हूँ, ठीक है, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, ठीक है, एक शायरी में मार ही देता हूँ क्योंकि मैं भूल गया हूँ ना ये बीच वाली शायरी, तभी हम अगला ट्रिक आपको बताएंगे। और देखिएगा एक बेहतरीन शायरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, और पहले इसको मैं करवा दूँ इस शायरी को, थोड़ा सा आपका मूड भी बन जाएगा, फिर हम करेंगे, ठीक है। चलिए बस कुछ ही क्षणों में हम आपके स्क्रीन के ऊपर या ऐसे ही नॉर्मली मैं आपके सामने रखने, एक बहुत ही प्यारी सी शायरी मैंने आपके लिए लिख रखा था, बहुत बहुत ढंग की थी, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सुना दूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया होगा, आराम से करते हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग अभी पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, एक कहा गया था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जो मिलने का मजा है वो मजा भी आएगा। चलिए इन्हीं चंद लफ्जों के साथ अब कुछ बेसिक से कुछ लेवल हाई करते, देखिए लेवल हाई कैसे करेंगे, इतना आसान ट्रिक जो बच्चा अभी तक इस वीडियो को देख रहा है ना वो बाह बाह करेगा अंदर से, उनका अंदर से जो दिल है ना गदगद हो जाएगा, कहेगा बाह क्या सीखे हैं आज, वो भी इतना शॉर्ट ट्रिक, ये तो लंबा है, अभी तो ये आपने डेमो देखा है, अभी तो असली असली प्रहार, असली जो तर्कस से जो असली तीर है वो निकलना तो अभी बाकी है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ नया तर्कस से तीर निकालते हैं, और ट्रिक मैजिक ट्रिक ट्रिक वाले प्रश्न, और प्रश्न और हार्ड करेंगे जी, देखो कैसा वाला प्रश्न, 1 जनवरी 1995 को अगर हम अपने मन से कहते हैं कि भाई फ्राइडे है,
10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? कहेंगे बाप रे बाप, इतना भयंकर क्वेश्चन सर, वो तो जैसे आप एक एक साल बढ़ा रहे थे, ये तो इम्पॉसिबल है कि हम उस ट्रिक पे बना सके। अच्छा, आपको लगता है कि इस ट्रिक पे ये बनेगा? जिस जैसे 5-10 साल था तब तो ठीक था, 5 साल 7 साल, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल और इस पे बन जाए? कहेंगे सर दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। लेकिन संभव को जो संभव कर दे उसी का दूसरा नाम मनुष्य होता है जी। आइए बस जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए, समझिए, विचार करिए, बनेगा नहीं दौड़ेगा प्रश्न। 1 जनवरी 1995 से आपको आना है 10 जनवरी 2015 तक। पहले आप क्या करिए कि आपको 1 जनवरी से 10 जनवरी आना, ट्रिक देखिए एक लाइन में, 1 जनवरी से 10 जनवरी जाना है, 9 दिन, 9 दिन लगेगा ना जी, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1 जनवरी से 10 जनवरी जाने में 9 दिन ही ना, ये सही है ना? 1 सेकंड, 1 जनवरी से 10 जनवरी जाने में 2 3 2, हाँ जी, 1 7 8, 1 जनवरी से 10 जनवरी जाने में कितने दिन लगेंगे? 9 दिन या 10 दिन? 9 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसे 15 से 25 जाता है, ठीक है, तो 10 दिन हो जाता है यहाँ पे, चलो 10 दिन लेकर चलते हैं। वैसे 1 से 10 में जाएगा तो 9 ही दिन होगा मेरे हिसाब से, चलिए 9 ही लेकर चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ, कोई बात नहीं है। अब 1995 से 2015 तक चलना है, कितने दिन, कितने दिन, कितने दिन? 20 साल। 1995 से, मैं यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं कि 1 से 10 तक चलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 9 ही दिन होगा, मैं कंफ्यूज हो गया था यहां पे, ठीक है कोई बात नहीं। अब 1995 से 2015 चलना है 20 साल, प्लस की साइन करिए। अब बताइए 1995 और 2015 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे? एक तो 19 लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लगे, 1996, 2000, 2004, 2008 और 2012, कितने लीप वर्ष? 3 चीजें लिखना है, डिफरेंस लिखना है डेट का, अंतर यानी अंतर लिखना है डेट का, अंतर लिखना है वर्ष का, और कितने लीप वर्ष होते हैं 1995 से 2015 के बीच? 96, 2004, 2000, 2004, 2008, 2012, क्योंकि फिर तो 2016 आ जाएगा, 5 लीप वर्ष। और इन सबों को भाग दे दीजिए आप 7 से, ठीक है। अब देखिए 20 9 29 29 5 34 बटे 7, समझिए इस चीज को, 20 5 25 9 34 बटे 7। अब अगर आप इसको भाग देते हैं तो बताइएगा कि शेष फल कितना बचता है? देखिए 7 भागे 34 7 चक 28, शेष कितना बचा जी? शेष बचा 6, और इस 6 को आप पकड़ के लेके चल जाइए, यहां पे जोड़ दीजिए, फ्राइडे प्लस 6, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, राइट आंसर क्या होगा? थर्सडे होगा, क्लियर है? क्लियर है बच्चा, यहां तक क्लियर है सभी का? बस हाँ या ना बोलिए सभी लोग। बस मैं ये वाला कंफ्यूज हो गया था कि भाई 1 जनवरी से 10 जनवरी जाने में 9 दिन लेना है या 10 दिन लेना है हमें, ठीक है, बाकी कहीं कोई इशू नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ रहा है? लीप वर्ष ढूंढना है सिर्फ, कम से कम कितना होगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? चलो अब इस तरह ये देख लेना, मेरे हिसाब से ये सही है, गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया कि 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 10 जनवरी तक जाने में 9 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे, दैट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन था, कंफ्यूज हो गया था मैं यहां पे। अब सही है, जैसे 15 से 25 तक जाना है तो 16 से शुरुआत करेंगे ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 16 से करेंगे ना, जैसे 15 से 25 तक जाना है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 10 दिन। अगर मुझे 1 से 10 तक जाना है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है 9 दिन, कंफ्यूज हो गया था मैं। चलो 1 जनवरी, अच्छा जरूरी नहीं है सेम डेट रहे, अगर ऐसे रहे 5 जनवरी 2005 को फ्राइडे, 5 जनवरी 2005 को फ्राइडे, तो 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? देखिए बहुत ही सिंपल सवाल, 5 जनवरी 2005 को फ्राइडे, तो 15 जनवरी 2022 को, आइए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही वो बस वहीं पे छोटा सा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हुआ था, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, और आपको सीखने में भी, 5 से 15 तक जाने में 10 दिन लगेंगे, 2005 से 2022 तक जाने में 17 साल लग जाएंगे, लगेगा ना 17 साल, 17 साल प्लस 2005 और 2022 के बीच लीप ईयर में बात करूं, एक तो 2008 पहला होगा, 2012, 2016, 2020, 4 लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, 17 10 27 4 31 बटे 7, 7 चक 28, शेष कितना बचेगा? कितना बार में भाग लगा उससे मैं नहीं मतलब है, 7 चक 28 शेष बच गया 3,
और इस तीन को कहां ले जाके रोक देना है, यहां पर ले जाके जोड़ दीजिए, फ्राइडे प्लस थ्री, सैटरडे संडे मंडे, ठीक है, मंडे इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए कुछ और प्रश्न देखिए, बस कंफ्यूजन वही था 1 जनवरी और 10 जनवरी के बीच, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं कोई भी, अच्छा याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न सेम डेट से सेम डेट जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह 1 जनवरी ही, 1 जनवरी से ही शुरुआत हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए कुछ और भी प्रश्न अगर हम आपके सामने रखें, देखिए ये सेम डेट से सेम डेट के बीच में ज्यादा अंतर है नहीं, 2-4, 10-20 दिन का अंदर है, बहुत अच्छी बात है। देखिए 10 जनवरी 1985 को मंगलवार, कुछ भी लिख दीजिए ना कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े सूरमा यहां पे सॉल्व हो जाएंगे, बड़े बड़े हार्ड हार्ड प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे। 10 जनवरी टोटल 6 से 7 क्लासेस कैलेंडर की करवाई जाएगी, जो बहुत मजेदार होगा। 10 जनवरी 1985 को मंगलवार है तो 25 जनवरी 2022 लीजिए, कितना लंबा प्रश्न कि भाई 20-20, 25-25 साल 27 साल का हमने यहां पर सॉल्यूशन करने की ठानी है कि भाई कर देंगे तो कर देंगे। आइए नाम नहीं भूलोगे आप मेरा कभी, इस बात को याद रखना, ठीक है। और हाँ रही बात कंफ्यूजन का, तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से ठहरता ही है, उसको लगता है कि भाई कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। 10 जनवरी 1985 से को मंगलवार है तो 25 जनवरी, 10 जनवरी से 25 जनवरी जाने में 15 दिन, 1985 से 2022 जाने में 22-15, 37 साल, प्लस 1985 से 2022 में लिपियर, ये थोड़ा सा कठिनाई है लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। एक आपका हो जाएगा 21 चक 84, 22 चक 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 12, 16, 20, 9 लीपियर है जी, ठीक है, कितने लीपियर, 9 लीपियर और डिवाइडेड बाई 7, 37, 9, 46, 5, 51, 10, 61 / 7 करेंगे, 57, 56, 56, 5, शेष कितना बचा, शेष बच गया 5, और इस 5 को ले जाकर रोक दीजिए, यहां पे जोड़ दीजिए, तो मंगलवार प्लस 5, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है, ये हो गया राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है, से यस या नो। एक और प्रश्न देखो, इतने सारे प्रश्न डील होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के प्रश्न आपसे कभी छूटेगा। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ना, लाइव चैट में कमेंट ना करके हम चाहेंगे कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरा संतुष्टि मिलेगा कि सीख कितना रहे आप, आपके अंदर कितना ऊर्जा का संचार हो रहा है, कितनी एनर्जी अंदर जाकर रुक रही है, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी। आ जाओ एक और देखिए, 10 जनवरी 2001 को अगर हम कहते हैं कि सर शनिवार है, सैटरडे है, तो आपको 30 जनवरी 2021 को हम क्या कहेंगे, कौन सा दिन, ये देखो ये सब मान रहे हैं, रियलिटी में है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो बस ऐसी मान मान के बना रहा हूं, ये तो मैं बस आपको सिखा रहा हूं, ठीक है बच्चा। 10 जनवरी 2001 से 10 जनवरी से 30 जनवरी 20 दिन, 2001 से 2021 20 साल, और लीप ईयर 2004, 2008, 12, 16, 20, 5 को लीपियर, वैसे भी जो एज होना इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो लीपियर पता चल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए 20, 20, 40, 5, 45 / 7, 7 / 42, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 3, और इस 3 को पकड़ के लेके जाइए यहां पे, सैटरडे प्लस 3, संडे मंडे ट्यूसडे मंगलवार, बताएंगे जरा सीख रहे हैं या एकदम बेहतर ढंग से सीख चुके हैं, बताइएगा एक बार आप सभी लोग कि सीख रहे हैं या पूर्ण रूपेण सीख चुके हैं, ठीक है। बीच में भले हमने अपनी शायरी थोड़ी सी भूल गए थे हम अपनी शायरी, लेकिन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स ये बिल्कुल अंदर जाके एकदम सॉलिड स्टेट की तरह, ठोस अवस्था की तरह रुका हुआ है बिल्कुल, और जितना भी बताओ उतना ये निखरता है, ठीक है। और हाँ आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, और हेल्पलाइन नंबर बहुत जरूरी है जी, सभी बच्चे हेल्पलाइन के लिए बड़ा परेशान रहते हैं भाई किनको क्या प्रॉब्लम आ जाए, और बहुत सारे बैचेस हम लॉन्च करने वाले हैं इस पर बहुत जल्द, ठीक है। ठीक है आप बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, आराम से कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी कॉल कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस, मैं राहुल सर, आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, कैलेंडर रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और कैलेंडर का ये तीसरा क्लास है, अगर 2 क्लास आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा, तब ये तीसरा क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ पाएगा। आज कुछ नया बताने वाले, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले, टोटल 5 क्लास में हम पूरे कैलेंडर को खत्म कर देंगे, तो कैलेंडर की तीसरी क्लास, और इसमें हम आपको बताने वाले कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, साथ ही साथ इसका ट्रिक क्या है, कैसे कैसे करेंगे। देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अपने पंजों को, अपने हाथ की उंगलियों को कुछ इस तरह से रखेंगे, जो ऊपर उठा हुआ दिखे वो 31 का होता है,
जैसे ये जनवरी 31 का, फरवरी हमें पता है कि वो 28 से 29 का होता है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमें पता है कि जुलाई यहां पे रुकता है और अगस्त की शुरुआत यहां से होती है, यानी जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने हैं जिनको जो 31 का होता है वो भी लगातार कंटिन्यू। तो पहले मैं आपको महीने का बता देता हूं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो अगर बात करें कि महीने का, ठीक है, महीना की बात करें, ठीक है, तो हमें पता है कि जनवरी, सर जी जनवरी 31 का होता है, फरवरी, सर जी फरवरी या तो 28 का या तो 29 का, अगर लीप वर्ष हो तो 29, सामान्य वर्ष हो तो 28, ठीक है। मार्च की बात करें, सर जी मार्च हमें पता है 31 का होता है, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 30 का होता है, मई की बात करें तो मई 31 का, जून जुलाई, और हमें पता है कि जून 30 का और जुलाई 31 का, और हमें यह भी पता है कि जुलाई और अगस्त बिल्कुल सटा हुआ है तो यह भी 31 का ही होगा, सितंबर 30 का होता है, ठीक है, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, एंड दिसंबर फाइनली कितने दिनों का, 31 का। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक मेरे हिसाब से हर बच्चे को ये चीज पता होगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। मैं यहां पे कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि ये फरवरी है, अगर सामान्य वर्ष हो यानी जिसमें चार से भाग नहीं लगे उसमें फरवरी 28 दिन का, अगर लीप वर्ष हो जिस वर्ष में चार से भाग लग जाए फरवरी 29 का, ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां से किस तरह के प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, वो भी बेहतरीन ढंग से कि कैसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत बहुत ही मजेदार क्लास है, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वहां पे मक्खन बैच शुरू हुआ है जिसमें मैथ और रीजनिंग की पूरी क्लासेस करवाई जाती है, प्रत्येक दिन कम से कम 30-40 बच्चे उस बैच को ले रहे हैं, इतनी डिमांड है, जबकि 10 दिन पहले वो बैच शुरू हुआ, न्यू बैच है, मक्खन बैच फुल्ली लाइव है, और उस पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा शुरू से अंत तक, और जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट है आप तो देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल है कि सर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की डिमांड अगर की जाए तो किस तरह के प्रश्न यहां पे इस क्लास में, मतलब इस तरह से किस तरह के प्रश्न बनेंगे। अच्छा, ये चीज और याद रखिएगा, अगर कोई महीना बोल रहा है तब तो हमें पता है कि कौन 28 का, कौन 29 का, कौन 30 का, कौन 31 का, लेकिन अगर बोले किसी महीने में, ठीक है, किसी माह में, तो ये एक सवाल है कि सर अगर सिर्फ डायरेक्टली किसी माह में बोल दे तो आप याद रखिएगा कि अगर किसी महीने का जिक्र ना हो तो महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। कॉपी में नोट करिए इतना फटाफट, अगर महीने में कोई खास माह का जिक्र नहीं हो तो महीना 30 दिन का होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों का, से यस यू नो, अगर किसी खास माह का जिक्र नहीं हो तो महीना कितने का होता है जी, महीना 30 का होता है। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, ठीक है, यू डोंट वरी, ये कैमरे की सेटिंग है, यू डोंट वरी। तो महीना कितने का होता है, 30 दिन का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, देखो क्लियर है, अगर महीने का डिस्कस ना हो, जनवरी फरवरी मार्च ऐसा कुछ नहीं हो तो महीना 30 दिन का। अगर हम बोले कि यदि किसी माह का, यदि सवाल में बहुत बेहतरीन सवाल देने वाला हूं, यदि किसी माह का 5 तारीख, ठीक है, 5 तारीख रविवार हो तो माह में कितने रविवार होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, बहुत बेहतरीन सवाल, डिमांड है ऐसे प्रश्नों की। देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा। अच्छा मान लीजिए कि सपोज दैट करिए कि इसका तो मैं सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर दूंगा, देखिए समझिए, अभी मैं ट्रिक भी यूज करने वाला हूं पर अभी बेसिक से समझिए। कह रहा है किसी माह का 5 तारीख जो है वो रविवार है, तो माह में कितने रविवार, आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए आज संडे है तो अगला संडे कब आएगा, चाहे वो दिन हो, मतलब बरसात आ जाए, गर्मी आ जाए, ठंडा आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, लेकिन हर 24 घंटे के बाद हम अगले दिन में प्रवेश करते हैं। तो हमें पता है कि अगर 5 तारीख को संडे है, ठीक है, 5 तारीख को अगर संडे है तो हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि अगला संडे 7 दिन बाद आएगा, यानी 12 तारीख को संडे, फिर अगला संडे 12 + 7 19 तारीख को संडे, फिर अगला संडे 19 + 7, यानी हर 7वां दिन, कॉपी में लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है, हम हर 7वें दिन उसी दिन को रिपीट करते हैं जहां पे हम थे, तो 12 + 7 19 + 7 क्या हो जाएगा, 26 तारीख। यानी देखिए हमें इस माह में कितने संडे मिल गए, कहेंगे सर एक तो 5 तारीख को मिल गया, एक 12 को, एक 19 को और एक 26 को, यानी कितने संडे, कितने जी, सॉरी कितने संडे, 4 संडे। हम हर 7वां दिन उसी दिन को रिपीट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मौसम में कोई भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन हम हर 7वें दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। क्लियर है, एकदम मस्ती में जा रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी बहुत खतरनाक क्वेश्चन देखिए बाकी है, अगला क्वेश्चन कि अगर 3 तारीख को, मैं शॉर्ट में प्रश्न लिख रहा हूं क्योंकि खुद भी आप बोर हो जाओगे, 3 तारीख को वेडनेसडे है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि माह में, या ऐसे पूछ रहा है
कि जनवरी में कितने मंडे होंगे। अगर किसी महीने अगर तीन तारीख के जगह पर आप कर दो 3 जनवरी, ठीक है, कि अगर 3 जनवरी को वेडनेसडे है तो पूरे जनवरी में कितने सोमवार होंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल, देखो सवाल मैं लिखता कम हूं, बता रहा हूं, समझो इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। सवाल बहुत ही सिंपल कर रहा है कि 3 जनवरी को बुधवार हो, वेडनेसडे हो, तो सवाल कर रहा है कि 3 जनवरी को जब बुधवार है तो पूछ रहा है कि कितने मंडे कितने सोमवार होंगे। अच्छा देखिए, 3 जनवरी को बुधवार, हमें पता है कि 3 जनवरी से पहले 2 दिन और भी है, जब 3 को बुधवार है तो 2 को मंगलवार होगा, तो 1 को सोमवार होगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, यहां 3 जनवरी को कह रहा है बुधवार है और फिर प्रश्न पूछ दिया कि इस माह में कितने सोमवार होंगे। तो जब 3 को बुधवार है तो सिंपल सी बात है कि 1 जनवरी को मंडे होगा, क्योंकि 1 को मंडे, 2 को ट्यूजडे, 3 को वेडनेसडे, तो 1 को मंडे, फिर 7 दिन बाद, 1 को मंडे है ना, फिर 7 दिन बाद 8 को मंडे, फिर 8 सात 15 को मंडे, 15 सात 22 को मंडे, और 22 सात 29 को मंडे होगा। लेकिन क्लियर समझिए, 1 मंडे 2 मंडे 3 4 5 कितने सोमवार, 5 सोमवार कहिएगा सर, 7, 1 सप्ताह में 7 दिन होता है और महीना में 31 हो सकता है ज्यादा, तो 7 × 5 = 35 कैसे हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि 1 जनवरी को ही सोमवार था, इसका 6 दिन पिछले माह में घुस गया होगा। वो पहले इतना कॉपी में नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी में नोट करिए और बिल्कुल बताइए कि समझ में आ रहा है। से यस या नो, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, आ रहा है 100% क्लियर जा रहा है माइंड में, कंफर्म, वेरी गुड। चलो एक और सवाल देखो, सिंपल है, 3 जनवरी को अगर बुधवार है तो पूछ रहा है कितने सोमवार होंगे, जबकि जनवरी है और हमें पता है कि जनवरी 31 का महीना होता है, लेकिन 29 तक ही जाएंगे क्योंकि अगला 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर हम फरवरी में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है, सिंपल समझो। और ये मैं अपने मन से दे रहा हूं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। सवाल है कि यदि 5 फरवरी को रविवार है, 5 फरवरी को रविवार है तो 27 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अच्छा एक बात और, समझ में नहीं आया कि फरवरी है तो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, 28 दिन ही मानिएगा, अगर लीप वर्ष रहेगा तो क्लियर करके बोलेगा। जब जैसे किसी संख्या के आगे पॉजिटिव लगा रहता है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन निगेटिव लगाना हो तो बोलना रहेगा। सामान्य वर्ष में बोला नहीं जाता, लीप वर्ष में बोला जाएगा। तो कह रहे 5 फरवरी को रविवार है तो 27 को क्या, देखिए 5 को संडे है तो हमें पता है 7 दिन बाद यानी 12 को फिर से संडे होगा, अभी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। 12 सात 19 को संडे और 19 सात 26 को संडे होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है 27 को, 27 तारीख को क्या हो जाएगा, 27 तारीख को हो जाएगा मंडे, सोमवार। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। एक बार देखते चलिए और सवाल पूछते चलिए। 3 मार्च को गुरुवार, अपने मन से मैं प्रश्न दे रहा हूं, अभी देखिए ट्रिक भी बताएंगे, अभी लंबे लंबे क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, समझिए इस चीज को। अभी इसका ट्रिक मैंने नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक भी जल्द ही अप्लाई करने वाले हैं, पहले बेसिक सीख जाइए। 3 मार्च को गुरुवार है तो 10 अप्रैल को, देखिए 3 मार्च को गुरुवार है और 3 मार्च से हमें 10 अप्रैल तक चलना है, 7 दिन बाद जोड़िएगा, ठीक है, 7 दिन बाद जोड़िएगा तो 10 मार्च को भी गुरुवार, फिर 7 दिन बाद 17 को भी गुरुवार, 7 दिन बाद 17 सात 24 को भी गुरुवार, और हमें पता है कि जनवरी फरवरी मार्च 31 का है तो 24 सात 31 को भी गुरुवार, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 तारीख को 7, ये अब ये मार्च से कहां प्रवेश कर गए, अप्रैल में प्रवेश कर गए, 7 को भी गुरुवार, क्योंकि ये गुरुवार है तो हर 7 दिन बाद गुरुवार ही होगा, 8 को फ्राइडे, 9 को सैटरडे, हमें चाहिए कब का जी, 10 अप्रैल का, 10 अप्रैल को हो जाएगा संडे, ठीक है। तो कहिए सर लग नहीं रहा कि कुछ लंबा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, बिल्कुल यूज कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। पहले इतना समझ में आया सबको, से यस या नो आ चुका है माइंड में एकदम 100% जाके रुक गया है, बिल्कुल एक बार कमेंट कर देंगे कि जी सर बिल्कुल समझ चुके। अब देखिए कुछ भारी भारी प्रश्न कैसे, कि मान लो अभी इस पे एक क्लास और करवाएंगे, 6 क्लास उम्मीद है कि कैलेंडर का होगा, और यकीन मानिए बहुत बेहतर ढंग से आप सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी तो मेन कॉन्सेप्ट हमने बताया नहीं है कैलेंडर का, भी तो बताना बाकी है। देखो अब कुछ हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस। अब सवाल है सर इसको कैसे करेंगे, हार्ड क्वेश्चन। सवाल देखिए, पहला सवाल है कि यदि 10 जनवरी को कुछ भी लिख दीजिए, फ्राइडे शुक्रवार हो, 10 जनवरी को फ्राइडे तो 15 मार्च अप्रैल दे दूं, हाँ 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, कहिए सर अब इसको कैसे ट्रिक में बनाएंगे, अब तो जनवरी से अप्रैल जाते जाते माथा खराब हो जाएगा। देखिए शॉर्ट मैजिक ट्रिक बाय राहुल सर, ठीक है, शॉर्ट मैजिक ट्रिक बाय
राहुल सर, ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होगी, और कोशिश जब तक नहीं करिएगा, ठीक है, और कोशिश करिए एक बार, कभी हार नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार। 10 जनवरी से आपको चलना है 15 अप्रैल। आप बताइए, 10 जनवरी तो खत्म हो गया, जनवरी में अभी कितने दिन है? क्योंकि हमें पता है जनवरी 31 का महीना होता है, तो अभी कितने दिन? 21 दिन। प्लस फरवरी में कितने दिन? कहेंगे सर फरवरी में अगर आप कुछ बोल नहीं रहे तो 28, अगर लीप ईयर बोलते तो 29 फरवरी। मार्च में कितने? सर मार्च में भी 31 दिन। अभी इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले ये तो सीख जाओ। अप्रैल कहां तक चलना है जी? 15 अप्रैल तक। और हमें पता है कि हर सातवां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं, तो हम 7 से भाग दे देंगे। सर 7 से क्यों भाग दिया बाबू? 7 से इसलिए भाग दिया क्योंकि हम हर सातवें दिन उसी दिन को देखते हैं, क्योंकि आज मंडे है तो 7 दिन बाद फिर से मंडे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए समझिए, 30 30 60 8 ऐसे कर लीजिए, 30 20 50 51 52 52 8 60 20 80 15 95 95 बटे 7 करिए, आप देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 7 1 7 2 बच गया, 5 7 21 13 7 91 शेष कितना बचा? कटना की कटा कितने बार से? शेषफल ये नहीं, 13 7 91 शेषफल 4 बचेगा। कितना बार में कटा उससे हमको मतलब नहीं है, रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा, और इस 4 को आप इसमें जोड़ दीजिए, फ्राइडे प्लस 4। ये ट्रिक है बाबू, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे मंगलवार, क्लियर है? 100% क्लियर होगा। अभी कहिएगा सर इससे भी शॉर्ट ट्रिक है? जी हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो असली हुंकार बाकी है, असली मैजिक ट्रिक बाकी है, अभी तो बस देखते जाओ कितना कितना कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ लेट स्टार्ट। अब देखिए 1 जनवरी को फ्राइडे बार बार हो रहा है, मंगलवार लिख दो भाई, ट्यूसडे 1 जनवरी को मंगलवार, तो 8 जुलाई को कौन सा दिन होगा? अरे बाप रे बाप, इतना लंबा सवाल सर। जी हाँ, इतना लंबे के लिए ही हम आपको ये जो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू ला एंड तक देखेगा उसी को पता चलेगा कि इस वीडियो में सबसे बड़ी खासियत क्या है, ठीक है। जो शुरू वाली 10-5 मिनट देखकर निकल गया उसको तो ऊपर ऊपर ही बाउंस कर रहा होगा, लेकिन जो क्योंकि सभी तो और भी ट्रिक बाकी है, अभी तो मैंने उसको यूज भी नहीं किया, और वो तभी यूज करेंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आपने बीच से स्टॉप कर दिया तो फिर हो गया कल्याण, समझ रहे ना आप हमारी बात को। तो अभी तो अभी कॉन्सेप्ट्स बाकी, सोचो 1 जनवरी से जुलाई चल गए, दो तरीके से हम इसको बनाएंगे, एक तरीका एकदम आराम आराम से, ठीक है, एक तरीका आराम आराम से, और एक एक जो है वो बेस्ट बेस्ट ट्रिक, ठीक है, बेस्ट ट्रिक। और ये ट्रिक बहुत कम बच्चों को हम बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहले बेसिक से समझिए, बेसिक नहीं, ये भी ट्रिक है जो पहले यूज कर रहे थे कि हमें जनवरी से चलना है, 1 जनवरी से चलना है मंगल, 8 जुलाई तक। हमें पता है जनवरी 1 हो गया, जनवरी में भी कितने दिन? 30 दिन, क्योंकि जनवरी 31 का महीना होता है, तो 30 दिन और। फरवरी 28 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30, मई, जून और जुलाई कितने? 8 जुलाई का। ये सर ये भी तो हार्ड ही लग रहा है, डिवाइडेड बाई 7। देखिए फिर से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि हमें 8 जुलाई का चाहिए। अब देखो जोड़ने का भी एक कला होना चाहिए, 30 30। अब कहीं सर 30 मत दीजिए तो 28 से हम 30 लेंगे, 30 30 60 90, 30 6 120, 30 5 150, 30 6 180, 180 हुआ, ये 2 ज्यादा था, 2 178, 1 ज्यादा है 179, 1 ज्यादा है 180, मतलब यहां -2 था, यहां +1 था, यहां +1 था, क्योंकि हमने 30 ही लिया था ना, 1 2 3 4 5 छेती 180, और ये 2 कम था और ये 2 ज्यादा था, माइनस प्लस खत्म, 180 और प्लस 8 188 बटे 7। अब देखिए 7 2 14, 7 6 28, 24 5 120, 24 6 44 से, नहीं नहीं 7 2 14, नहीं नहीं गलत हो गया ये तो, 7 2 14 और 7 6 42, 26 5 130, 26 7 182, शायद रिमाइंडर 26 बार में तो कटेगा नहीं, शेष बच गया यहां से, शेष बच गया यहां से 6, और इस 6 को कहां पर ले जाके प्लस करना है? इसमें मंगलवार में, तो मंगलवार प्लस 6, अब करके देखिए सोमवार आएगा, क्योंकि 7 जोड़ेंगे तो फिर मंगलवार ही आएगा, हमने 1 कम जोड़ा है तो 1 पीछे आएगा सोमवार। आप कहिए सर बेस्ट मैजिक ट्रिक कैसे बनाएंगे? अच्छा ये डिवाइडेड बाई 7 हम क्यों कर रहे हैं? सॉरी ये जो है ये जो है जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ये डिवाइडेड बाई 7 क्यों कर रहे हैं?
सर जी डिवाइडेड बाई सेवन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हर सातवां दिन उसी दिन को रिपीट करते तो सात से भाग दे देते। आप ऐसा कर लो ना, सब में एक एक कर करके दे दो। जनवरी एक हो चुका है, जनवरी में 30 दिन बचे हुए हैं, तो आप सात से भाग दो, सच्चा का 28, शेष कितने बचे? दो। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ड्रीम क्लासेस है, यहां पर सपनों को एक नई उड़ान दी जाती है और एक एक यकीन मानिए कि एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जनवरी में एक जनवरी खत्म हो गया, अभी 30 दिन है, सात से भाग दे दो 30 में, सच्चा कटाई शेष कितने बचे? दो। बेस्ट मैजिक ट्रिक, प्लस फरवरी 28 का होता है, सच्चा कटाईस कुछ नहीं बचा, जीरो मन है तो लिखो, नहीं मन है तो नहीं लिख देना। मार्च की बात करें, जनवरी फरवरी मार्च में सच्चा कटाईस रिमाइंडर बचा तीन, जो रिमाइंडर बचे बस उसको लिखो। अप्रैल में सच्चा कटाईस रिमाइंडर बचेगा दो, सच्चा कटाईस रिमाइंडर तीन, सच्चा कटाईस रिमाइंडर दो, और यहां पर सात एकम सात रिमाइंडर शेषफल एक डिवाइडेड बाई सेवन, उससे तो आसानी है। दो तीन पांच, दो सात तीन दस, दो बारह और एक तेरह, तेरह बटे सात करेंगे, सात एकम सात, शेष कितना बचेगा? कहेंगे सर 14 रहता तो पूरा कर जाता, शेष बचा 6, और यहां पर कितना था जी? मंगलवार था ना, मंगलवार प्लस 6 सोमवार, हर तरीके से सही जवाब। कॉपी में नोट करिए, एक बेहतरीन क्लास हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें बहुत मजा ही मजा है और बहुत बेहतरीन ढंग से आप सीख रहे होंगे। ये हमें पूरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर और हमें अपने आप पे भी भरोसा है कि हम अच्छा सिखा रहे होंगे आपको। एक बार हम चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट करिए कैसा लग रहा है वीडियो, शेयर करने में लाइक करने में बिल्कुल भी कमी नहीं करेंगे। और ये बेहतरीन क्लास इस बैच के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये बैच बहुत स्पेशल है आपके साथ, आपके जितने भी लोग हैं वह यहाँ पे जुड़ सकते हैं आकर हमारे साथ। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कैलेंडर की एक नई भूमिका, एक अजब भूमिका है, लोग कैलेंडर को बहुत ही प्यारे नजरिए से देखते हैं कि सर कैलेंडर पढ़ा रहे हैं, क्या बात है। ठीक है, चलो अब कुछ और, अब और मैजिक ट्रिक यूज करते हैं। 5 जनवरी को अगर मान लीजिए बुधवार है, बुधवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? देखो समझो इस चीज को, शॉर्ट मैजिक ट्रिकली सॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्ट मैजिक ट्रिकली सॉल्यूशन। सवाल है कि 5 जनवरी को बुधवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन है? जनवरी 31 का महीना होता है, 5 दिन बीत चुके हैं, 26 दिन बाकी है। 26 में अगर देखिए शॉर्ट ट्रिक, वो डायरेक्टली काटने वाला, 26, 5 दिन बीत चुके हैं, 26 दिन बाकी है, 26 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 * 28, सत्य 21, क्योंकि 4 बाद में तो रहे, सत्य 21, रिमाइंडर कितना बच गया? 5, क्योंकि 26 में दे रहे ना, सत्य 21 रिमाइंडर बचा, जनवरी से 5 बचा, फरवरी हमें पता है 28 का ही महीना होता है, सच्चा कटाईस रिमाइंडर 0, लिख दो 0, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च की बात करें तो सच्चा कटाईस महीना 31 का होता है, रिमाइंडर 3 बचेगा। अप्रैल में 30 का महीना होता है तो रिमाइंडर 2 बचेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जब मार्च 31 का अप्रैल 30 का, तो मई में 3 बचेगा, जून में 2 बचेगा, जुलाई में 3 बचेगा, और अगस्त हमें कहां तक चलना है? 15 अगस्त तक चलना है, तो 15 अगस्त में 2 दिन से 7 से भाग दीजिए, 7 दिन 14 रिमाइंडर बचा 1। अगर ये सीख रहे हैं तो समझिएगा कि आप हमारे साथ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 5 * 3 = 8 = 2 = 10 = 3 = 13 = 15 = 3 = 18 = 19 फिर से 5 * 3 = 10 = 13 = 15 = 15 = 3 = 18 = 19 19 * 7 करेंगे, 7 * 2 = 14 शेष कितना बचा? कितने बार में भाग लगा उससे में कोई मतलब नहीं है, 7 * 2 = 14 शेष बचा 5, और आप बुधवार में 5 जोड़ दीजिए, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मंडे इज द राइट आंसर, जा रहा है एकदम एकदम परफेक्ट जा रहा है आपके अंडर, हाँ या ना जा रहा है? अरे बिल्कुल जा रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों का, अब लग रहा है कि सीख जाएंगे। हाँ अच्छा, एक बात और, एक प्रश्न ऐसे कि यदि 5 जनवरी को बुधवार है तो जनवरी में कितने सोमवार होंगे, कितने सोमवार होंगे? कितना बेहतरीन सवाल, और यही सब प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार देखा है मैंने, काफी बार देखा है। आइए करते हैं सॉल्व, ठीक है। 5 जनवरी को बुधवार है तो जनवरी में कितने सोमवार होंगे? देखिए 5 को जब बुधवार है, पहले आप सोमवार तक जाने की कोशिश करिए, 5 को जब बुधवार है तो सिंपल सी बात है, 5 को जब वेडनेसडे है तो सिंपल सी बात है, 4 को है ट्यूजडे मंगलवार तो सिंपल सी बात है, 3 को होगा मंडे, और हमें मंडे का ही तो बात चाहिए भाई, कितने सोमवार होंगे? जब 3 को मंडे है तो 7 दिन बाद 10 को भी मंडे होगा, 17 को भी मंडे होगा, 17 + 7 = 24 को भी मंडे होगा, और याद रखिएगा कि जनवरी की बात कर रहा है तो जनवरी 31 का महीना होता है, 24 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो लीजिए 31 को भी मंडे आ गया, यानी 1 मंडे 2 मंडे 3 4 5
वाइब मंडे, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हाँ, एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है धीरे धीरे, यहाँ पे क्विज भी स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव के लिए, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, और इसके ऊपर एक बैच है मक्खन बैच, मैथ और रीजनिंग स्पेशल बैच है, जिसमें पूरे एक साल तक आपको मैथ और रीजनिंग की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। कॉम्पिटेटिव वाले में जाइए पेड कोर्स में, और बिल्कुल भी सोचिए मत, तुरंत बाय नाउ करिए अगर बाय नाउ करने में कोई परेशानी है। 6200-7338-58 पे कॉल करिए और तुरंत बोलिए सर हमें मक्खन बैच ज्वाइन करना है। फीस भी बहुत कम है, फीस है 499 एक महीने का, अरे नहीं नहीं पूरे एक साल का, मैथ का नहीं नहीं मैथ और रीजनिंग दोनों का, रिकॉर्डेड होगा या लाइव, फुल्ली लाइव बैच है वो, ठीक है। अभी तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो नया बैच है, और वो आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, सब सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम देगा, क्योंकि वहाँ पे अरिथमेटिक का पूरा संपूर्ण निचोड़, पूरा एक साल बैच चलेगा जी, एक साल 12 महीना 14 महीना जितना लग जाए सोचना नहीं है, बिल्कुल पढ़ाएंगे उसमें हम आपको, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए कंटिन्यू, और अगली क्लास इतनी खतरनाक होगी ना, सबसे हार्ड एरिया कवर करेंगे कैलेंडर का, और वो अगली क्लास तभी आएगी जब बहुत सारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट रहेंगे, और मैं व्यू ड्यूरेशन देखता हूँ वीडियो का, कि एक बच्चा कितना देर तक वीडियो मेरा देख रहा है, उस आधार पर मैं लेके आता हूँ। अगर व्यू ड्यूरेशन बहुत लंबा रहा, जैसे मान लो कि अगर ये आधे घंटे की वीडियो है, अगर हर बच्चा इस वीडियो को व्यू ड्यूरेशन ऐसे माना जाता है 25% 30% होता है, मतलब 8 मिनट 7 मिनट। ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी इम्तिहान बाकी हैं। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज की इस स्पेशल क्लास में। और आज, जी हाँ, आज हम लोग कैलेंडर का सबसे स्पेशल क्लास करने वाले हैं, मैराथन करने वाले हैं, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से कैलेंडर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस लेवल तक कैलेंडर में नहीं पहुंच पाते, जैसा कि आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस स्टेट डिवाइडेड बाय 7 एंड CQ इज इक्वल टू LTDY बाय 4, ये है क्या? और इसके ऊपर इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बैंकिंग, SSC, रेलवे, डिफेंस, मेडिकल, सभी जगह, क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं राहुल सर आपको इतना मैजिक ट्रिक से आज पढ़ाने वाला हूं कैलेंडर, कि आप मुझे पूरी जिंदगी याद रखो कि भाई क्या कैलेंडर हमने पढ़ा था और क्या मैजिक ट्रिक यहां पर अप्लाई हो रहा है। इसके बाद कैलेंडर की एक दो क्लासेस और लगवाई जाएगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करेंगे, जो SSC, LDC, UDC और जो भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफेंस, जो आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वहां वाले प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले, ये आरडी है क्या और ये CQ क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बेसिक सा नॉलेज कुछ देना चाहूंगा। वो बेसिक सा नॉलेज है कि भाई आपको पहले कोड याद करना है। देखिए, इस क्लास को अच्छे ढंग से अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यहां पर एक आ रहा है मंथ कोड और एक आ रहा है डेट, ठीक है, एक आ रहा है मंथ कोड और एक आ रहा है डेट, तो पहले पूरे को हम कर लेते हैं और साथ ही साथ कोड भी कर देंगे। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कम करता हूं और मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक बेहतरीन क्लास है, बस हम चाहेंगे इस क्लास को आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, कुछ भी हो जाए, कितना भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इस क्लास को आप करिए और कैलेंडर आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में रहेगा। रीजनिंग का ये सबसे शानदार टॉपिक है जो आपको समझ में आएगा 100%। RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस मंथ का कोड प्लस डेट बाई 7। देखिए, LTDY, क्योंकि RD का मतलब हो गया, जस्ट अ सेकेंड, RD का मतलब हो गया, पहले RD का मतलब हो गया, पहले सबके बारे में जानिए कि RD क्या है। RD, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर ऑफ डेट, यानी दिन को याद दिलाना कि भाई डेट को कैसे याद करेंगे, किसी भी डेट को, ठीक है। तो RD बराबर फॉर्मूला होता है रिमाइंडर, मतलब फुल फॉर्म हो गया रिमाइंडर ऑफ डेट। आप ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, LTDY का दो अर्थ होता है, समझिए इस चीज को, मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा और फिर प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। LTDY का एक अर्थ होता है लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी वर्ष का आखिरी दो अंक, इसको यूज करना है, आखिरी दो अंक का प्रयोग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सीखना है, ठीक है। LTDY का अर्थ हो गया लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, किसी भी वर्ष का आखिरी दो अंक। और इसका एक रूल याद रखिएगा कि ये जो वर्ड यूज होगा, ये 2000 ईस्वी से पहले, LTDY का अर्थ ये हो गया, LTDY का अर्थ 2000 ईस्वी से पहले क्या होता है भाई, LTDY का अर्थ हो गया लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, वर्ष का आखिरी दो अंक। अब एग्जांपल में अगर हम 1955 लेते हैं, तो बताइए इसमें LTDY क्या होगा,
पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक चीज मैं बारीकी से पढ़ाऊंगा, जितना भी टाइम लगे, लेकिन यकीन मानिए कि इस क्लास को करने के बाद आप मुझे हमेशा याद रखोगे कि भाई क्या, हालांकि तीन क्लासेस ऑलरेडी कैलेंडर का करवा दिया गया, आपको मिल जाएगा नीचे देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसको करने के बाद एक नया उमंग, अंदर से एक नई ऊर्जा का संचार आपके बॉडी के अंदर होने वाला है पढ़ाने के बाद। तो लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, और ये कब का प्रयोग होगा, ये होगा, ये यूज तब होगा जब 2020 से पीछे वाले प्रश्न पूछे जाए, 2020 से पहले। और LTDY हो गया लास्ट टू डिजिट, ये तो फर्स्ट टू डिजिट है 19, लास्ट टू डिजिट क्या है 55, यानी LTDY का अर्थ हो गया 1995 में। अच्छा मान लीजिए कि अगर कहीं पर लिख रहा है 1892, ठीक है, तो लास्ट टू डिजिट 92, क्लियर है, LTDY का ये करता है। लेकिन LTDY का एक और अर्थ होता है, ये क्या होता है, लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर। पॉइंट टू बी नोटेड माई डियर स्टूडेंट, बहुत बारीकी से मैं समझा रहा हूं, LTDY का दो अर्थ होता है, एक होता है लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, एक होता है लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द ईयर। लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर 2020 से पहले का होता है, लेकिन लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द ईयर जो होता है वो 2020 के। अच्छा इसका अर्थ भी मैं बता दूं पहले, किसी वर्ष का आखिरी तीन अंक, पहले दो था ना, देखो ध्यान से, लास्ट थ्री, क्योंकि टी का मतलब टू भी होता है, टी का मतलब थ्री भी होता है, सिंपल सी बात है, किसी वर्ष का आखिरी तीन अंक का प्रयोग, ठीक है, ये लास्ट थ्री, पहले एक एक चीज समझो तब ये समझ में आएगा कि आरडी वाला फॉर्मूला लगे, और हाँ किस टाइप के प्रश्न में पूछे जाएंगे आरडी वाला फॉर्मूला, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बेहतरीन, बहुत बारीकी से मैं बताने वाला हूं। तो किसी वर्ष का आखिरी तीन अंक का प्रयोग, और ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, वन टाइम एक बार में बताऊंगा कि ये 2020 के बाद प्रयोग होगा, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ 2145 ईस्वी, ठीक है, 2145 जो 2000 के बाद हो गया, तो इसमें LTDY क्या हो गया 145, लास्ट थ्री डिजिट 125। अच्छा मान लीजिए कि अगर कहीं पर 2022 लिखा रहे, जो अभी चल रहा है करंट में, तो कहिएगा सर लास्ट थ्री डिजिट, देखिए ध्यान से मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं, जितना टाइम लगे, लेकिन ये क्लास बहुत स्पेशल है, मैं देखना चाहूंगा व्यू ड्यूरेशन कि भाई एक बच्चा इस वीडियो को कितना लंबा देखता है, ठीक है। तो LTDY में कहिएगा सर 022 हो गया ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, यानी ऐसे कंडीशन में जब जीरो रहे तो आप यहां से अपने मन से एक लगा दीजिए, क्योंकि 0022 जो है वो दो ही डिजिट आता है, जीरो पीछे रहे तब तीन डिजिट हुआ ना, तो ऐसे कंडीशन में आप 122 लगा सकते हैं। अब मैं आपको यहां से कुछ बारीकी कुछ चीजों का समझाना चाहूंगा बेहतरीन ढंग से, और वो चीजें ये है कि सर LTDY में जैसे आपने बोला, ठीक है, एक LTDY में आपने बोला लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, और एक आपने बोला लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द ईयर। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन। अच्छा आप ड्रीम क्लासेस का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारा खुद का एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्ले स्टोर पर खुद से जाइए और सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और वहां पर एक बैच चल रहा है मक्खन बैच, ठीक है, उस पर मैं बिल्कुल शुरू से लाइव पढ़ा रहा हूं, अभी रेशियो खत्म होने वाला है और ये कंटिन्यू, मैथ और रीजनिंग दोनों का ये बैच है 499 का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा और कॉम्पिटेटिव वाले में जाइएगा, आपको मक्खन बैच दिख जाएगा वहां पर, ठीक है, वरना हेल्पलाइन नंबर इस वीडियो में आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है, समझिए। लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर ये मैंने आपको बताया कि ये 2020 से पहले यूज होता है, ठीक है, और ये मैंने बोला कि सर 2020 के बाद यूज होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा अगर एक प्रश्न कहीं पर आ जाए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि 1955 में 55 हो गया LTDY, 1872 में 72 हो गया LTDY, अच्छा अगर कहीं 1905 रहे या 1904 रहे तब कैसे यूज होगा, तो याद रखिएगा कि 1901, 1902, 1903, 1904 या 1900 रहे तो आप क्या करिएगा, 1904 में LTDY लास्ट टू डिजिट, क्योंकि 2020 से पहले है, तो आप 04 ना लिखकर आप लिख सकते हैं 14, ठीक है, सिर्फ चार तक 1900, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि बाद में कोई डाउट्स ना रहे, अगर 1904 की 1901 की बात करें तो LTDY 11 हो जाएगा, क्योंकि एक यहां आएगा तो 1111, 1902 की बात करें तो LTDY हो जाएगा 12, 1903 की बात करें तो LTDY हो जाएगा, लास्ट टू डिजिट हो गया 13, और 1904 की बात करें तो लास्ट डिजिट हो गया 04 ना लेकर हम 14 लिखेंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर 1905 आ जाए, मैं क्लियर बोलना चाहता हूं, बाद में मुझे मत बोलिएगा, 1905 आएगा तो LTDY आप 15 नहीं लिख सकते हैं, ये 05 ही होगा। कहिएगा सर क्यों, रूल है भाई, 1901, 1801, 1802, 1803, 1804, मतलब 1800 हो, 1900 हो, 1700 हो, 1600, 1600, 1, 2, 3, 4 में 11, 12, 13, 14 LTDY होगा, जैसे 1901 का 11, 1902 का 12, 1903 का 13, 1904 का 14, लेकिन 1905 में 15 नहीं होगा, कान खोलकर सुनिए, 1905 में LTDY 15 नहीं होगा, सिर्फ 5 होगा, 1906, 1907, 1908 सब में उतना ही होगा, 6, 7, 8 ही होगा, 16, 17, 18, 19 नहीं होगा, 1800 वाले में भी यही रूल है, 1801, 1802, 1803, 1804 में 11, 12, 13, 14 होगा, लेकिन 1805 जैसे आएंगे तो 15, 16, 17, 18 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, LTDY का लास्ट टू डिजिट का क्लियर होना, बात एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई रफा दफा होना चाहिए, एकदम जो बात है वो क्लियर है, 1901, 1902, 1903, 1904 में 11, 12, 13, 14 लेंगे, लेकिन 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 में 15, 16, 17, 18, 19 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर होगा। 2020 के बाद अगर मान लीजिए कि अभी 2022 चल रहा है, तो यहां पर एक दे देंगे, यानी LTDY हो गया 122, क्योंकि 2020 के बाद जो है वो LTDY का फुल फॉर्म हो जाता है। लास्ट थ्री, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और यहां पर मान लीजिए कि अगर कहीं पर रहता 2012, ठीक है, तो LTDY क्या हो जाता, 112। अच्छा कहीं पर 2005 रहता तब लास्ट तीन डिजिट होना चाहिए, ये एक इधर दे देते हैं 105। अच्छा कहीं पर 2000 रहता था, कहीं सर 2000 में LTDY 100, कहीं 2002 रहता था सर 102। तो LTDY बहुत ही परेशानी वाला चीज है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया एकदम A to Z क्लियर। जो बच्चा इस वीडियो को एक बार से दूसरा बार देख ले उसके बावजूद भी वो कैलेंडर नहीं समझ रहा है, समझ जाना कि भाई किसी ना किसी प्रकार का, किसी ना किसी प्रकार के दोष से वो बच्चा ग्रसित है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, और ये क्लियर है यहां तक। अच्छा LTDY समझ चुके हैं, LTDY लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द ईयर, टू डिजिट 2020 से पहले, थ्री डिजिट 2020 के बाद, टू डिजिट में आखिरी का दो अंक लेना है किसी वर्ष का, थ्री डिजिट में आखिरी तीन अंक लेना है। अब आइए LTDY क्लियर मैं मिटा दूं, ऑब्वियसली मैं मिटा रहा हूं, अगर किसी को दिक्कत है तो वीडियो रिपीट करके देख सकता है बच्चा, क्योंकि इसी फिगर पे मुझे सारा फॉर्मूला क्लियर करना है। LTDY क्लियर हो गया, कहिएगा सर बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मुझे इसी फिगर पे सारे फॉर्मूले सारे टॉपिक्स का एक A to Z सॉल्यूशन करना है। देखो अब देखो माय डियर स्टूडेंट, ये LTDY क्लियर हो गया, LTDY RD भी क्लियर हो गया, मैंने बोला रिमाइंडर ऑफ डेट, दिन को याद दिलाना, डेट को याद दिलाना, ठीक है। इसके ऊपर फॉर्मूला CQ, कंप्लीट क्वाइंट, कंप्लीट क्वाइंट को हिंदी में कहते हैं, मैं एक एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, पूर्ण भागफल, कंप्लीट क्वाइंट CQ यानी इसका फुल फॉर्म हो गया कंप्लीट क्वाइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, कंप्लीट क्वाइंट हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्ण भागफल, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि अगर आपने कहीं 55 लिखा हुआ है, और अच्छा कंप्लीट क्वाइंट क्या है, कंप्लीट क्वाइंट का CQ का फॉर्मूला होता है कि आप LTD से LTDY में 4 से भाग दे दीजिए तो वो आपका CQ निकलेगा LTDY में। जैसे एग्जांपल में अगर मान लीजिए कि मैंने आपका लिया 1947, ठीक है, 1947 में हमें इसका कंप्लीट क्वाइंट निकालना है, पूर्ण भागफल निकालना है, तो पूर्ण भागफल निकालने के लिए LTDY में 4 से भाग देना है। तो पहले आप यहां लिखोगे CQ, और आपको पता है कि CQ निकालने के लिए हमें LTDY चाहिए, और हमें पता है कि 2020 से पहले है तो LTDY लास्ट टू डिजिट होगा। देखो LTDY का दो अर्थ हो गया, एक तो लास्ट टू डिजिट हो गया, लास्ट थ्री डिजिट। अब आपको पता है कि टू डिजिट वाला कहां यूज होगा, थ्री डिजिट वाला कहां होगा, टू डिजिट वाला 2000 से पहले, थ्री डिजिट वाला 2000 के बाद, ठीक है। तो यहां 47, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है CQ का LTDY/4, और LTDY लास्ट टू डिजिट हो गया 47/4। कितना बार में कंप्लीट क्वाइंट कैसे निकलता है, 4/47 करेंगे तो 11/44 रिमाइंडर कितना बचा, 3 से। ये जो होता है ये हुआ पूर्ण भागफल, कि आप 11 बार में लगा पाए, 12 में नहीं लगा, तो ये आपका हो गया CQ। ऐसा नहीं कि 11 पूर्णांक 3/4 या 11.75, 47 को 4 से भाग दीजिएगा तो 11.75, वो दशमलव वाला नहीं लेना, आपको कंप्लीट पूर्ण भागफल चाहिए, पूर्ण रूप से कितने बार में कटेगा, तो पॉसिबल तो है नहीं 12 बार में, 11 बार में भी पॉसिबल नहीं, तो पीछे वाला लेंगे, क्योंकि 11/44 3 रिमाइंडर हो गया, तो CQ जो हो गया वो आप लिखेंगे 11, ठीक है। आप ये वाला लोगे, जैसे मान लो 51 रहता तो 12/48 लेते, क्योंकि 13/52 हो जाएगा। मान लो जो 55 रहता 1955 रहता तो 55 में 14/56 14 बार में लगने रहा, 13/52 13 लेकर छोड़ देते, मतलब जितने बार में लगे मिनिमम, या तो पूरा या तो मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, ऐसा नहीं कि 14/56 ले लेते उसके नजदीक आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट क्वाइंट पूर्ण भागफल, मतलब जो यहां पर आएगा उसको यहां पर लिखना है कंप्लीट में, मतलब यहां पर लिखना है। जैसे मान लो कि अगर 95 है तो हमें भी पता है कि 23/92 होता है, 24/96 होता है, 96 कहां से लगेगा, तो 23 को ही लेना होगा, यानी इस CQ के जगह पर आप क्या दोगे, 95 का CQ क्या होगा, 23 होगा, और CQ कैसे निकलेगा, LTDY में 4 से भाग दे देंगे। क्लियर है, सॉरी क्लियर है बच्चा, यहां तक एक बार देख लो, हाँ या ना बोल दो एक बार। CQ का मतलब हो गया कंप्लीट क्वाइंट हिंदी में कहेंगे पूर्ण भागफल, और कंप्लीट क्वाइंट निकालने के लिए आपको LTDY लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर में 4 से भाग देना पड़ेगा, ये आपको CQ निकाल के देगा। से यस यू जा रहा है माइंड में, सेट हो रहा है, अच्छा आ जाइए मंथ कोड, महीने का कोड, ठीक है। एक मैं आपको दिन का कोड बताऊंगा, एक मंथ का कोड बताऊंगा, पहले देखो किस चीज का है सामने में रखा हुआ, दिन का कोड, ठीक है, हाँ पहले दिन का कोड याद रखिए, दिन का कोड कितने दिन होते हैं, एक बच्चा बोला सर 30 दिन होते हैं, गधा वो 30 दिन नहीं 30 डेट होता है, दिन तो साथ ही होते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक बच्चे ने मुझे ऑफलाइन क्लास में बोला सर दिन 30 होते हैं, मैंने उसको समझाया भाई दिन 30 नहीं होते, डेट 30 होता है, महीना 30 का होता है, 28, 29, 30, दिन तो साथ ही होते हैं ना। तो ये देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, तो दिन 30 होते हैं, और इन 30 दिनों में संडे को हम 1 से डिनोट करते हैं, ये कोड है, और पढ़ना आपको अति आवश्यक है दिन का कोड। मंडे को 2 से, ट्यूसडे को 3 को, वेडनेसडे को 4 को, थर्सडे को 5 से, और फ्राइडे को 6 को, और सैटरडे 7 नहीं मानिएगा, याद रखिएगा इस बात को, सैटरडे 0। अच्छा ये हेल्पलाइन नंबर है मेरा,
ठीक है। अच्छा ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा बैच है मक्खन बैच, इसी की बात कर रहे थे, ये हमारे एप्लीकेशन पर है, काफी बच्चों ने इसको ज्वाइन किया, लगभग 400-500 बच्चे इस बैच के अंदर है, क्योंकि ये जो फीस 499 दिख रहा है शायद इस पे भी ऑफर आ गया, मतलब इससे भी फीस कम कर दिया गया। हम चाहते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, इसलिए फीस नॉर्मल रखा है, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे हैं वो सोचे भी नहीं, एकदम आराम से एक बार में बैच ज्वाइन करें। और इसमें पूरा एक साल पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स, ठीक है, मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट लाइव, और हाँ विथ नोटबुक, उसके अंदर जो पीडीएफ होता है ना नोटबुक का, सारा मैथ रीजनिंग सबका पीडीएफ डाला हुआ, डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तब आप इसको वो करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो तो हमारी टीम से बात करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो कर देंगे हेल्प, ठीक है। तो ये कोड कुछ इस तरह से है भाई कि संडे का कोड एक होता है, मंडे का दो, ट्यूसडे का तीन, वेडनेसडे का चार, थर्सडे को पांच, फ्राइडे का छह, और हाँ सैटरडे का सात मत कर देना, सैटरडे को छह जीरो होता है, छह के बाद सातवा नहीं जीरो का। कॉपी में नोट करिए, ये कोड नहीं पता रहेगा, मतलब इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो समझिएगा कि आपका कैलेंडर अधूरा है, और चीजें अधूरे करने से चीजों को सफलता, मतलब आपको कभी सफलता मिलने पाता है, मिलने पाएगा, यानी पूर्ण सफलता के लिए आपको हर चीज एकदम बेहतर से सीखना पड़ेगा। तो ये डेट, अच्छा मंथ का कोड, महीने का भी कोड होता है, वो भी सिखाते हैं, अभी तो दिन का कोड है, अभी मंथ का कोड करते हैं हम लोग। देखो ये दिन का कोड हो गया, मंथ का कोड, अब मंथ के कोड में ये मैं मिटा दूं ये आपको। अच्छा मंथ कैसा होता है, एक वर्ष लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर होता है, दो तरह का आपका महीना होता है, वर्ष होता है, कुछ लीप ईयर होता है, कुछ नॉन लीप ईयर होता है। तो महीने के कोड में, ठीक है, अब आ जाइए मंथ कोड में, मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मंथ कोड है क्या और इसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये मंथ कोड है क्या और इसको हम कैसे यूज करेंगे। अब आइए पहले इससे मैं हटा दूं, ये बच्चा समझ चुका है, जिसको लेना होगा मैं एडवाइस दे रहा हूं आपको, अपने तरफ से सजेस्ट कर रहा हूं इस बैच को लेने के लिए, फीस बहुत कम है, इतना कम कि जितना में दो तीन दिन का सिर्फ गोलगप्पा ही खा सकते हो आप, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ले लीजिए, बहुत आसान रहेगा, और मैं पढ़ाऊंगा खुद लाइव, प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं इसमें पढ़ाऊंगा, पढ़ा भी रहा हूं, इसके अंदर क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, 10-12 क्लासेस हो गई, अभी नया बैच है, आप ले लीजिए, हर हर एग्जाम में ये काम देगा, मैं कोई भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, मेडिकल, कुछ भी कर रहे हैं, इतना पढ़ना अति आवश्यक है, और मैं पढ़ाऊंगा फुली लाइव, ले लीजिए, काम देगा आपके लिए, ठीक है। तो जब मैंने एडवाइस दे दिया कि ले लीजिए, तो फिर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस बैच के अंदर जुड़ जाएंगे, जिसने नहीं लिया वो ले लेंगे। मंथ कोड की बात करें तो लीप मंथ कोड में याद रखिएगा कि महीने का कोड होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके, तो हमें पता है कि कुछ सामान्य वर्ष भी होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, लीप वर्ष, तो वर्ष में कितने महीने, पांच, सॉरी 12, माफी चाहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, पहले सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है, वैसा वर्ष जिसमें चार से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, सामान्य वर्ष, क्लियर करते हैं कि सामान्य वर्ष है क्या, जिसमें फरवरी चार से, सॉरी जिसमें फरवरी 28 दिन का हो और चार से भाग नहीं लगे, सामान्य वर्ष, वैसा वर्ष जिसमें चार से भाग भी लग जाए और फरवरी 29 का हो, लीप वर्ष कहलाता है। सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में कुल 366 दिन होता है, क्योंकि फरवरी एक दिन बढ़ जाता है, 28 की जगह 29 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम कोड की बात करें, अब जब मुझे कोड याद है, मैं बिना देखे कहीं कुछ मैं आपको कोड लिख रहा हूं, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप मेरे जगह, मेरे से तो आप तेजी होंगे पढ़ने में, तो आपको भी याद रहेगा, जब एक कोने में बैठा हुआ स्टूडेंट आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, तो आप तो आप हमेशा आगे बैठते होगे ना, तो फिर आप कहां जाओगे, आप सोच लो, ठीक है। कोड होता है 1440 2503, देखो मैंने कहीं कुछ नहीं देखा, ये आपको पता है, मेरी आंखें बस आपके ऊपर है, ठीक है, 6146, क्लियर है, 1440 2503 6146, फोन नंबर की तरह याद कर लेना, ठीक है। मंथ कोड में, महीने के कोड में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1440, एक बार हमारे साथ बोलिए, बोलिए 1440 2503, चार चार करके तीन बार बोलिए, 1440 2503 6146, समझ लेना कि ये सबसे पर्सनल इंसान का फोन नंबर है ये। अब आप समझ रहे हो कि कौन पर्सनल है आपके लिए, सबसे क्लोज इंसान का ये फोन नंबर है, जो मुझे बहुत फायदे की चीज है ये, 1440 2503 6146। लीप वर्ष, लीप वर्ष में देखो ज्यादा परेशानी होगा नहीं, पहले मैं लिख लूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है 12 माह। देखो इसमें सेम कोड लीप वर्ष में रहेगा, सिर्फ दो चेंज होगा, जहां जनवरी एक है यहां जनवरी जीरो हो जाएगा, और फरवरी चार है यहां थ्री हो जाएगा, 0340 6146, यानी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में सिर्फ दो ही कोड चेंज होता है, और वो दो माह है जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी में एक एक घट जाता है, क्लियर है। जब मुझे याद है तो आपको भी याद रहेगा, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं मक्खन बैच के लिए, एडवाइस दे रहा हूं, और मैं यकीन मानिए उसकी वैलिडिटी एक साल से भी मैं ज्यादा कर दूंगा, यू डोंट वरी, मैं वैलिडिटी बढ़ा दूंगा और दो चार महीने, आप पढ़ो, शिक्षा ज्यादा जरूरी है, ठीक है, धन अर्जित तो इंसान
ठेले पे ठेला लगा के भी कमा सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी है कि आप बेहतर शिक्षा लो मुझसे। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट 2,000, 4,000, 10,000 पेड करके एक बड़ा सा कोर्स लेने, कोई जरूरत नहीं। यही कोर्स अगर कोई 2,000 में आपको देगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत महंगा कोर्स है, बहुत बढ़िया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको एक दूसरा टीचर दे सकता है उससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज से नहीं लगभग 6-7 सालों से हूं, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे ऊपर, ठीक है मेरे पास। और मैं आपको देखो ये एक्सपीरियंस बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख पा रहे हो कि भाई किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। यहां तक क्लियर है सब, आगे बढ़े, वेरी गुड। कॉपी में नोट करो पहले मंथ कोड और दिन का कोड, और अब हम लोग आरडी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जल्दी जल्दी। जल्दी से कॉपी में नोट करो ताकि हम आगे बढ़ सके, फटाफट नोट करिए। ये हो गया दिन का कोड, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे में 0 होगा। ये समझ चुके हो कि LTDY को कैसे लिखना है, कौन सा LTDY कैसे यूज होगा। ये आप समझ चुके हैं कि फॉर्मूला एक होता है RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस D डिवाइडेड बाय 7। अब सवाल है कि सर इस पे प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, मंथ कोड क्या होता है, महीने का कोड मैंने बताया ना अभी, डेट कैसे डेट यूज करेंगे, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे अब हम लोग प्रश्नों के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्न हम आपसे करें। देखो प्रश्न कुछ इस तरह से रहेगा, सवाल सबसे बड़ा यही है जी कि प्रश्न सर कैसे पूछे जाएंगे। प्रश्न कुछ ऐसा रहेगा कि यदि यदि 10 जनवरी पहले ये मैं करता हूं, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो, तो देखो अब वो वाला काम नहीं करेगा कि वर्ष का आखिरी दिन और अंतिम दिन सेम होता है, 1 की वृद्धि 2 की वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिच्योर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चन जो SSC में काफी बार देखने को मिला है, रेलवे में जो हाई लेवल के पोस्ट होते हैं वहाँ पे काफी बार देखने को मिला है। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ये बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, आपको लग रहा है ये बनेगा, ये किस फॉर्मूला पे बनेगा। देखो जब लंबे लंबे समय हो और डेट वेट भी अप डाउन इधर उधर हो, कहाँ जनवरी कहाँ अगस्त, तो आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से सॉल्यूशन करिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस मंथ का कोड, MC का मत, अच्छा सॉरी मैंने ये आपको बताना भूल ही गया, मैं भूल ही गया हूँ ये चीज, ये MC का अर्थ क्या हुआ, मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड मतलब महीने का कोड, ये मैं भूल गया था आपको थोड़ा सा बीच में पहले बताने के लिए, डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आ गया, सो यू डोंट वरी, आप कर लेना इतना। अब मंथ कोड तो मैंने लिखा ही दिया कि देखो भाई ये मंथ कोड है, लिखा दिया है ना मैंने आपको, ये देखो मंथ कोड, ये मंथ कोड, ठीक है, ये मैंने लिखा दिया हर क्वेश्चन का। तो RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस डेट और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 7 करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये सच में ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है। पहले एक बात और याद रखिएगा, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमारा बहुत बड़ा संदेश आपके लिए, कहिए सर पढ़ा लिया करो, संदेश तो बाद में देते रहेंगे हम लोग। हमारा सबसे बड़ा संदेश ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाए एग्जाम में या टेस्ट में या कहीं भी आपको बनाना हो क्वेश्चन पेपर में बुक में, तो पहले आप चेक करो कि ये सच में ऐसा है, क्योंकि मैंने तो ऐसे अपने मन से लिख दिया 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, क्या ये सच में है। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला सच ही कह रहा हो, अगर कोई बोल रहा है 23 जनवरी 1955 को गुरुवार है तो पहले हम उस चीज को चेक करेंगे कि सच में गुरुवार है, और चेक करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस RD वाला फॉर्मूला। तो RD बराबर LTDY, अब हम पहले चेक करेंगे कि सच में ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार, कहिए सर कैसे चेक होगा, आइए चेक करके देखते हैं। हमें 15 अगस्त 1947 में, अभी यहां पर मैं लिख देता हूं, 15 अगस्त 1947 मैं चेक करता हूं कि सच में यह है शुक्रवार। पहले चेक करना अति आवश्यक निर्देश हमारे थ्रू की पहले चेक करना आवश्यक है, बनाना बाद में। तो आप बताइए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो आपको LTDY क्या दिख रहा है। सर 15 अगस्त 1947 है, 2000 से पीछे है, और 2000 से पीछे आपने LTDY का फॉर्मूला बताया था, लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, तो लास्ट टू डिजिट क्या हो गया 47, प्लस का साइन लगाएंगे। CQ कंप्लीट पॉइंट पूर्ण भागफल, CQ निकालने के लिए मैंने आपको रूल बताया है कि CQ निकलेगा LTDY में 4 से भाग दीजिए, कहता हूँ बताया है ना, कहिएगा जी सर बिल्कुल बताया आपने, CQ निकलेगा तो आप बताइए 47 में 4 से भाग देंगे, कहिए सर 12 बार में तो 48 हो जाता है, तो 12 बार में 48 होता है ना, एक पीछे ये 11 6 44, कंप्लीट पॉइंट क्या हो गया 11 हो गया, प्लस मंथ का कोड MC मतलब मंथ का कोड। और पहले ये देखिए कि 1947 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष, कहेंगे सर सामान्य वर्ष है। देखिए मंथ का कोड आपको याद करना है, अभी तो मैं देख के कर लूंगा आपके थ्रू, लेकिन बाद में आपको याद करना पड़ेगा, मेरा तो जैसे तैसे चल रहा है किसी तरह से। तो मंथ का कोड सामान्य वर्ष में, मंथ का कोड अगस्त है ना, 15 अगस्त 1947, कितना है जी मंथ का कोड 3 है, तो आप ये मंथ का कोड यहाँ पर दे दो। CQ हो गया ना, 47 में 4 से भाग दे दिए तो 11 6 44, क्योंकि 12 बार में 48 हो गया। CQ कंप्लीट कोड मंथ, MC मंथ कोड, मंथ का कोड 3 है, प्लस डेट, ये डेट कितना है 15 अगस्त है, तो ये डेट है ना, चलिए प्लस 15, और कितने से भाग देना है
सात से। कहिएगा सर सात से क्यों दे रहे, क्योंकि सात दिन, हर सातवां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं, इसलिए हमें सात से भाग करना पड़ता है। 47 से 11 हो जाता है 58, 58 3 61, 61 5 66 और 66 10 76। 76/7 करेंगे तो आपको देखना है कि शेषफल कितना बच रहा है। सबसे बड़ा चीज यही है जी, आपको शेषफल चेक करना है। देखो मैं करके देखता हूँ, 7 भागे 76, 10 7 डायरेक्ट लगा दिया मैंने, हालांकि ऐसा होता नहीं है। शेषफल कितना बचा? कहेंगे सर वो तो हमें भी पता था, 76 में 6 7 से भाग देंगे तो 10 7 70। शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 6, शेषफल बचा 6। और ये अब सर, अब बाबू अब इस 6 को जाकर देखिए उधर पीछे वाले पेज में कि 6 किसका कोड है। देखिए मंथ का कोड और दिन का कोड ये आपको रटना पड़ेगा, चाहे जैसे कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप देखिए कि 6 किसका कोड है लीजिए 6 है शुक्रवार का कोड। कहेंगे सर ठीक ही तो बढ़ा रहे हैं, शुक्रवार है, अगर है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम आगे बढ़ जाएंगे यहां पर 26 जनवरी। अगर नहीं रहता तब परेशानी थी। कहेंगे तब कैसे बनेगा? तब मैं बताऊंगा आपको, सो यू डोंट वरी। अब आइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये हमें चाहिए। अगर ये है तब ठीक है, नहीं है तो परेशानी होगी। अब आइए वही फॉर्मूला, RD बराबर LTDY, लास्ट 2 डिजिट 50 है। CQ कंप्लीट पॉइंट, 50 में 4 से भाग देंगे 12 चक 48, क्योंकि 13 चक 52 हो जाएगा तो 12 में CQ। मंथ कोड MC सामान्य वर्ष है ना 1950। आइए मंथ कोड, मैं वैसे तो मुझे सब याद है पर मैं आपकी संतुष्टि के लिए, मंथ कोड सामान्य वर्ष में जनवरी का 1 होता है, प्लस डेट, यही है ना डेट। और डेट क्या है बाबू? डेट है 26 जनवरी 26 डिवाइडेड बाई 7, 50 12 62 63 69, यानी 70 मान लो, 70 20 90 में एक घटा दीजो, 89/7, 12 7 84, 12 7 84, 13 7 91, 84 5 89, यानी शेष कितना बच गया? भाग देंगे शेषफल बच गया 5। और अब आप चेक करिए कि ये 5 किसका कोड है। तो 26/15/1947 को अगर शुक्रवार था जो 6 कोड को दर्शाता है, 26 जनवरी 1995 को, सॉरी 26 जनवरी 1950 को गुरुवार होगा, ठीक है ना। देख लो 5 गुरुवार का ही कोड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि सर जी राइट आंसर हो गया गुरुवार। समझ पा रहे हैं? इतने में भी मक्खन बेच नहीं लोगे तो फिर तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। अभी एक मैराथन हम लगाएंगे कैलेंडर का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे कैलेंडर के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे आपको, ठीक है। सो यू डोंट वरी, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्लास आपके लिए लगवाऊंगा कैलेंडर का, और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको करवाऊंगा। एक सवाल और करते हैं, और उम्मीद है कि ये आपके माइंड में एकदम 100% जाके अटक जाए। सवाल है, मैं अपने मन से कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो कि मैंने लिख दिया कि 10 मार्च 1975 को, कुछ भी लिख दूँ, संडे लिख दूँ, चलो संडे लिख देता हूँ संडे, तो 15 अगस्त 1925 को कौन सा दिन, 15 अगस्त 1925 को कौन, देखो 10 मार्च 1975 को संडे, तो 15 अगस्त 1925 को कौन सा दिन। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि पहले आप चेक करिए कि सच में संडे है या नहीं। पहले क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन से लिख दिया, और हमारे मुंह में थोड़ी आपकी जबान है, वो सही थोड़ी हो सकती है, तो चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे, पहले चेक करिए कि 10 मार्च 1975, ये चेक करिए। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ यकीन मानो कि बहुत कुछ सीखोगे आज के क्लास में, आप बड़े लेवल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये आज आप उससे सीखोगे। तो 10 मार्च 1975 में आप RD वाला फॉर्मूला लगाओ, LTDY लास्ट 2 डिजिट, अभी तो 2000 से पहले वाले प्रश्न आ रहे हैं, कुछ ही देर में अगले क्लास में 2000 के, जब मैं प्रीवियस टेस्ट करवाऊंगा ना, तो LTDY लास्ट 2 डिजिट 75, प्लस फॉर्मूला क्या होता है RD का, RD का फॉर्मूला है LTDY प्लस CQ प्लस मंथ का कोड प्लस डेट और डिवाइडेड बाई 7। तो LTDY हो गया लास्ट 2 डिजिट, CQ कंप्लीट पॉइंट, अब देखो 75 में 4 से भाग दो 18 चक 72, क्योंकि 19 बार में 76 हो जाएगा, तो हमें पीछे वाला लेना है आगे वाला नहीं, तो 18 बार में लग जाएगा, तो हमने 18 ले लिया, ये CQ कंप्लीट पॉइंट। मंथ का कोड सामान्य वर्ष है 1975, मंथ कोड हमें याद है 1440, तो मार्च है तो 4, अब देख लो पीछे वाला पेज 1440, ये मंथ का कोड होता है, तो मार्च में 4 आया तो मंथ का कोड हो गया 4, प्लस डेट LTDY RD LTDY CQ प्लस MC प्लस डेट, डेट कितना है जी, डेट है 10 मार्च। आप पहले चेक करिए कि सच में ये संडे है या नहीं, डिवाइडेड बाई 7, 75 18, 75 और 8 होता है 83 10 93, 93 4 97 10, 107/7, फिर से करते 75 8, 83 10 93 4 97 और 10, 107/7 होगा 15 6 90, 15 7 105, शेष कितना बचेगा 2, क्योंकि 16 बार में 16 7 16 85 16 96 16 7 112, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 105 हो गया, तो आप देखिए शेष कितना बचा, शेष बचा 2, शेष कितना बचा,
शेष बचा दो। और हम बोल रहे हैं कि ये संडे होना चाहिए, और आइए चेक करते हैं कि संडे है। लीजिए जी, संडे का तो कोड एक है, दो कोड तो मंडे हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। यहां देखो बारीकी से चीजों को समझो, जितना टाइम लगे हमें रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर हुआ दो, और हमें पता है कि संडे का कोड एक है और मंडे का कोड दो है, तो ये संडे के जगह क्या आ गया, आ गया मंडे। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि इसको जबरदस्ती पकड़ के संडे में लेकर जाइए। कहिए सर है सर ऐसे कैसे होगा, होगा, हम बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चंस का जुगाड़ में हैं, तो आप मंडे से पकड़ के उसको लेके जाइए संडे में, बताइए क्या करिएगा। कहिए सर या तो पाँच छः जोड़ेंगे या तो एक घटा देंगे, समझ रहे ना। अब आपके पास दो रुपया है, ठीक है, और आपको पता है कि जैसे मान लो कि अभी आप दो आ गए, और दो जो होता है मंडे होता है, और हमें चाहिए संडे, आप मंडे में घुस गए, हमें चाहिए संडे, या तो आप फिर से जाओ ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे आएगा ना, यानी चार पांच जुटेगा। काहे ले चार पांच जुड़ना, मैं रीजनिंग पढ़ रहे, एक पीछे आ जाइए ना, मंडे में एक घटा दीजिए, आ गए हम संडे, हाँ या ना, मंडे में एक घटा दीजिए। कहिएगा उसके घटने से क्या होता है, घटने से क्या काम होगा वो हम बाद में बताएंगे, पहले ये आ गया संडे। कहिएगा जी सर बिल्कुल आ गया, क्योंकि दो था, दो मंडे का कोड था, हमने एक घटा दिया, क्योंकि आप कह रहे हैं संडे, तो देखो सिंपल सी बात है, आप कह रहे हैं संडे आ गया मंडे, तो जबरदस्ती इसको संडे में लाइएगा ना। मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का रूल है कि जो कह रहा है उस चीज को करिएगा, तो था मंडे पकड़ के एक दिन पीछे कर दी, आ जाओ आ गया संडे में। नाउ अब देखिए ये तो समझ में आ गया, अब हम चेक करेंगे कि 15 अगस्त 1925 को कौन सा दिन होगा। अभी कहिएगा सर संतुष्टि मिला, अभी नहीं मिला होगा आपको संतुष्टि, अब थोड़ी देर में मिलेगा 15 अगस्त 1925, क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो हमने कहा था वो मिल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं मिला, हमने कहा संडे आ गया मंडे, एक पीछे कर दिए, कोई बात नहीं। 15 अगस्त 1925 आरडी बराबर LTDY लास्ट टू डिजिट, कहेंगे सर 25 सिक्यू, 25 में 4 से भाग दीजिए, 6×24 एक, 6×24 सच्चा 250 हो जाएगा, 6 बार में 6×24 LTDY प्लस सिक्यू प्लस मंथ का कोड, अगस्त का कोड देखिए जी, अगस्त, क्योंकि सब अभी अभी लीप ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं हमने किया, अगस्त में मंथ का कोड है 3, तो 3 यूज करिए, 3 प्लस डेट, डेट कितना है 15 अगस्त है, तो 15 डिवाइडेड बाई 7, 25×6 31 34 34×5 39 10 49 / 7, समझिए इस चीज को, 25×6 31 31 34 5 39 10 49, ठीक है 49 कट गया, शेष कितना बचा, शेष बचा 0, और 0 किसका कोड है, 0 शनिवार का कोड है, पीछे कॉपी उलट के देखिए 0 आया शनिवार, लेकिन क्या ये सही आंसर है आपका, ना ये आपका सही आंसर नहीं है, क्योंकि आप भूलिए मत, आप भूलिए मत कि आपने ऑलरेडी यहां पर एक घटा दिया था, तो जो परिवर्तन यहां हुआ है वही परिवर्तन यहां होगा, परिवर्तन का तुलना परिवर्तन से करेंगे, अगर यहां पर एक घटाया गया तो यहां भी एक घटाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 0 से 0 जो है वो सैटरडे का कोड है, संडे एक मंडे दो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और सैटरडे का मैंने साथ नहीं बोला था, 0 बोला था, तो पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचा, शेष बच गया 0, और 0 शनिवार का कोड है, शनिवार में एक घटाइए, क्योंकि जब यहां एक घटा हुआ है तो यहां भी एक घटाइए, अगर यहां एक जुटा हुआ रहता तो यहां भी एक जोड़ते, यहां दो जुटा रहता दो जोड़ते, 3 घटा हुआ रहता 3 घटाते, तो शनिवार में एक पीछे आ जाइए, राइट आंसर हो गया शुक्रवार, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये एक बेहतरीन कैलेंडर का मैराथन क्लास था, नई जोश नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ ये क्लास मैंने आपको समझाया, यकीन मानते हैं कि इस क्लास को करने के बाद एक नया नया नई एनर्जी आपके अंदर आ चुकी होगी, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, एक इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले कैलेंडर का बहुत बड़ा क्लास, ठीक है, ओके बाय बाय, एक बार नीचे कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक कर दो, लाइव क्लास में नहीं कमेंट बॉक्स में।